सो हेलो गाइस, इनफिनिट गेमिंग इज अगेन हियर, बट दिस टाइम विद समर कप सीजन 1, जिसका ग्रैंड फाइनल यहाँ पर है. और फॉरी एंड जो स्ट्रीम हो रही है, जो कास्ट हो रही है, वो फिलहाल यहाँ पर टीआरएससी स्पोर्ट्स के साथ बहुत ही नजर आएगी. फटाफट से नजर डालेंगे लॉबी की तरफ की कौन कौन सी जो टीम्स है वो ग्रैंड फाइनल में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी. तो नजर आएंगी जी हाँ, टीम नंबर 2 में देखने को मिलेगा उड़ीसा, 3 ऑप्टिमस, ड्रोना वॉरियर्स इन द 4, 5 मेरोटन डेल्टा, Ethereals in the slot number 6, slot number 7, the complex clear, Todd in the slot number 8, Rising White in the 9, Spell Officials in the 10, Crypto Mites in the slot number 11, PBX Official in the slot number 12, Bad Timings in the 13, Degree 23 in the 14, ESP Hyderabad in the 15, GZ Nation in the 16, 4IR in the 17, RBES Officials in the 18, इन बिटवीन अगर मैं बात डालूंगा तो R2F इन द 19, 4MS इन द 20, HYD Hunters इन द 21 एंड 22, यश गेमिंग. सो लेट्स सी, मूविंग करेंगे फटाफट से फ्लाई पाथ की तरफ. तो जी हाँ, मिल्टा पार्ट से होगा स्टार्ट, प्रिज्मॉक्स की साइड होगा फिनिश ऑफ, मतलब ओपी साइड प्लेन पाथ नजर आता हमको नजर आएगा. एंड लेट्स सी कि यहाँ पर जो फर्स्ट मैच होने वाला है कौन सी टीम यहाँ पर जो है वो चिकन निकले जाती हुई हमको नजर आएगी. उड़ीसा की टीम के फिलहाल मैं बात करूँगा तो जी यहाँ पर अभी तक ड्रॉप लेते हुए नजर नहीं आया, लेकिन लेट्स सी कि जो फर्स्ट क्लासेस बनते हुए नजर आएंगे वो किन के बीच में बनते हुए नजर आने वाले. बात करूँगा तो जी हाँ, ND1 आई थिंक ND भाई कौन सा लाइन है यार, ये नाम भी उन्होंने ऐसे क्लाइंट टैग भी सेम नहीं है. तो जी हाँ, ESP हैदराबाद मूव इन करके प्रॉपर्टी टू वर्ड्स द मिल्टा पावर के आसपास वाले कंपाउंड को लूटअप करते हुए नजर आएगी. ऑन द सेम साइड अगर मैं बात करूँगा स्लॉट नंबर 18 की, जो कि हमारी RBES का ऑफिशियल लाइनअप है, वोली पुफका को लूटअप करता हुआ नजर आएगा. 4MS मूविंग टू वर्ड्स द स्कूल अपार्ट की साइड पर मूविंग करते हुए नजर आएंगे. ऑन द सेम साइड अगर मैं बात करूँगा स्लॉट नंबर 21 की, जो कि हमारी है HYD हंटर्स की लाइनअप, फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ग्लिच है जो कि बहुत जल्दी हमारा दूर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि पबजी है भाई, ये पबजी बिना ग्लिच के यहाँ पर चलता नहीं. तो फर्स्ट ग्लिच यहाँ पर होने वाले हैं एंड होते हुए नजर हमको आती है इन एवरी मैच. तो जी हाँ, स्कल की बात करूंगा, स्कल मूविंग करेंगे कहीं ना कहीं प्रिज्मॉक्स साइड एंड लेट्स सी कि जो फर्स्ट क्लासेस बनते हुए नजर आएंगे वो किन टीम्स के बीच में बनते हुए नजर आएंगे. अगर मैं बात करूंगा तो फिलहाल वॉकआउट का लाइनअप है, सॉरी यार वॉकआउट का सूखा, और राइजिंग वाइट का भी जो लाइनअप है मूविंग करेगा फिलहाल टुवर्ड्स द मिलिट्री बेस एंड यहाँ पर इजिली लूटअप करता हुआ नजर आएगा. ऑन द सेम साइड अगर मैं नजर डालूंगा टुवर्ड्स द टीम नंबर 21, जो कि हमारी हैदराबाद हंटर्स की टीम है, शायद HYD हंटर्स की जो लाइनअप है ये इजिली यहाँ पर जो आसपास के कंपाउंड को लूटअप करते हुए नजर आने वाले. एंड अगर मैं बात करूँ 4IR की, तो ये लोग एक अच्छे स्पीड में कूदते हुए, यानी कि जो लूटअप है इनके पास बहुत प्यारी लूटअप मिलती हुई नजर आएगी. ऑन द सेम साइड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक क्लैश बनता हुआ नजर आएगा टीम TCG का, और TCG का एक क्लैश बनता हुआ नजर आ रहा है. जी हाँ, विद द टॉड फ्रॉस्ट सामने इनके देखने को मिलेंगे, उसी इनके हाथ में मिल चुके, क्या क्लोजिंग करेंगे. ओके, तो यहाँ पर दो उजी इनके हाथ में देखने को मिलेगी, दो उजी गन्स इनके हाथ में देखने को मिलेगी, लेकिन लेट्स सी कि यहाँ पर एक गन को स्विच कर चुके हैं, एक यहाँ पर UMP यूज कर रहे हैं, एंड यहाँ पर क्या क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगे. फिलहाल मैं बात करूँ तो जी हाँ, दोनों ही टीम्स का जो ड्रॉप लोकेशन है वो क्लैश यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा. दोनों टीम्स यहाँ पर एक स्प्लिट होगा, स्प्लिट में यहाँ पर ड्रॉप लोकेशन मिल रही है, यहाँ पर स्प्लिट में ही यहाँ पर जो है वो क्लैश बनता हुआ नजर आएगा. एंड जी हाँ, यहाँ पर फिलहाल जो है टॉट क्रिमिनल को टेक डाउन कर लिया जाएगा, इनका एलिमिनेशन जो है यहाँ पर से बनता हुआ नजर आएगा, किल जो है वो इजीली यहाँ पर जो है सिक्योर कर लिया जाएगा. इन बिटवीन में TCG की तरफ नजर डालूं तो TCG भी एक अच्छे स्प्लिट में लूटअप करती हुई अभी तक तो नजर आ रही है. एंड बाकी बात करूँगा तो टॉट कमिंग अप विद 1 कैजुअलिटी, यानी कि एक कैजुअलिटी जो है वो फॉर श्योर यहाँ पर टॉट के लिए कन्फर्म होती हुई नजर आएगी. हार्ड कास्टिंग ब्रो, स्टिकी लैप्स, थैंक्स अ लॉट ब्रदर, एंड वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, टू द एवरीवन, जो जो नया फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. 9 लाइक्स हो चुके हैं, लेट्स टेक द टारगेट ऑफ द 20 लाइक्स का टारगेट रखते हैं इस मैच में. इन बिटवीन यहाँ पर जो है वो TCG जो है वो एक किल को सिक्योर कर लेगी, यानी कि TCG कमिंग अप विद 1 किल्स एंड एक अर्ली है मैं बोलूंगा तो एक किल के द्वारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड होता है यहाँ पर नजर आने वाला है. इन बिटवीन एक और क्लैश हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा टीम 16 शायद एक प्लेयर को टेक आउट करने में सक्सेसफुल हो पाई थी. जी हाँ, एक नॉक उन्होंने निकाल लिया, वो किल फॉर शॉट यहाँ पर जो है वो B4G का सिक्योर कर लिया जाएगा. ऑन द सेम साइड इसका स्पार्टी को भी यहाँ पर लॉन्ग रेंज में एक KM के चलते नॉक निकाल लिया जाएगा, यानी कि दो अर्ली किल्स यहाँ पर आ जाएंगे कल्ली वाइट के खाते में, एक किल्स आता हुआ नजर आएगा, यानी कि दो किल्स हमको देखने को मिलेंगे जेड नेशन के खाते में. इसका स्पार्टी यहाँ पर ऑलरेडी ब्लीड आउट हो चुके हैं, उनका किल सिक्योर हो जाएगा, दो किल्स यहाँ पर होल्ड कर लेगी टीम नंबर 16 जो कि है हमारी जेड नेशन का लाइनअप. इन बिटवीन यहाँ पर एक और फाइट इनिशिएट होता हुआ नजर आएगा DS का, एंड वहाँ पर जो है DS का एक प्लेयर टेकडाउन देखने को मिला है शायद. जी हाँ, हिजनबर्ग को जो है उसको टेकडाउन कर लिया जाएगा. टीम नंबर 4 हमको ड्रोना वॉरियर्स का लाइनअप खेलता हुआ नजर आ रहा है, अब फिलहाल यहाँ पर थोड़ा मुश्किलों में जूझता हुआ नजर आ रहा है. बात करूँगा हिजनबर्ग की, हिजनबर्ग फिलहाल ओपन में नॉक देखने को मिल रहे हैं, कवर में जाना चाहते हैं, रिवाइवल की दरकरार रहेगी, रिवाइवल के लिए यहाँ पर उम्मीद रहेगी, लेकिन रिवाइवल वो बहुत ज्यादा मुश्किल. TCG या प्रो TCG खेल रही है, 2 किल्स आई थिंक ऑलरेडी उनके खाते में आ चुके हैं. इन बिटवीन यहाँ पर जो किला हिजन बक्स यहाँ पर जो है रिवाइवल के यहाँ पर आना चाहते थे एंड आ चुके हैं, यहाँ पर रिवाइवल देते हुए नजर आएंगे, लेकिन लेट्स सी कि इनको भी कुछ डैमेज मिल जाएगा, इनका भी नॉक जो है वो निकल जाएगा. टीम 4 यानी कि ड्रोना वॉरियर्स कमिंग अप विद 2 कंटिन्यूअसली नॉक्स. दिक्कत है यहाँ पर, मैं कह सकता हूँ कि एलिमिनेशन बनता हुआ नजर आएगा उन दोनों प्लेयर का फॉर श्योर. एंड जी हाँ, मैक्स का जो किला वो सिक्योर कर लिया जाएगा, हिजन बक्स का भी जो किला वो भी फॉर श्योर यहाँ पर सिक्योर कर लिया जाएगा, लेकिन लेट्स सी कि बाकी के जो दो प्लेयर्स होने वाले हैं वो किस तरीके से यहाँ पर गेम प्ले दिखाने वाले हैं, क्या यहाँ पर से फॉल बैक करते हुए नजर आने वाले, क्योंकि शायद यहाँ पर से जो एक फॉल बैक का जो एक ऑप्शन है वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर से
पोजीशन निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड फाइनल्स ये हैं एंड पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सारे बंदे मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक विनिंग अमाउंट जो होती है उसको लेना ही चाहते हैं। इन बिटवीन आस्था भटनागर वेलकम टू द ब्रेक स्ट्रीम अगेन। ओके एक बार नजर डालेंगे टीसीजी की तरफ। टीसीजी सॉरी आई थिंक दे वर कमिंग अप विद द टू किल्स बट ओनली वन किल इन देयर पॉकेट। इन बिटवीन ईपी ड्रैक्स को पिक ऑफ कर लिया जाएगा। नजर रहेंगे ईपी ड्रैक्स की तरफ। इन सेम टाइम हेजर मक की बात करूंगा तो बीट आउट ये होते हुए नजर आएंगे। किल इनका ये सिक्योर होता हुआ नजर आएगा। मीन्स आरएसक्यू की बात करूंगा टीम नंबर 4 जो की थी हमारी ड्रोना वॉरियर्स कमिंग अप विद द टू किल्स एंड विद द कैजुअलिटीज ऑल्सो। टीम 4 कमिंग अप सॉरी आई फॉरगॉट जी हाँ टीम फिलहाल मैं 13 की बात करूंगा। टीम 13 बैड टाइमिंग कमिंग अप विद वन कैजुअलिटी एंड वन नॉक। मशीन यहाँ पर प्यारा गेम पे परफॉर्मेंस दिखाते मिल रहा है। दो किल्स ऑलरेडी इनके खाते में हमको देखने को मिल रहे हैं। अब मशीन एक किल से क्या कर चुके हैं एंड एक और यहाँ पर टेकडाउन कर लिया जाएगा गायरो गॉड द्वारा। बहुत प्यारा ऑफर दिया गया एंड यहाँ पर मैं जैसे कि सोच रहा था कि एक अच्छा जो ऑप्शन है यहाँ से जो शायद जो एक अच्छा ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर से फॉल बैक करने का। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक बहुत प्यारा 2v3 कर चुके हैं। लास्ट में यहाँ पर स्टैंडिंग है काकश एंड शायद इनके लिए यहाँ पर से बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन जो बचा हुआ है वो फॉल बैक करने का। ऑन द सेम साइड टी सी जी के मारूफिया को टेकडाउन कर लिया जाएगा। उसी की साइड में बात करूंगा तो खंजर के द्वारा एक बहुत प्यारा कवर फायर देखने को मिला जिसके चलते यहाँ पर एक ऑफ लोग को टेकडाउन यहाँ पर कर लिया गया। नाउ यहाँ पर टीसीजी शायद एक रिवाइवल के लिए जा सकते हैं। रिवाइवल का सिनेरियो जो है यहाँ पर क्रिएट करा जा सकता है। एंड बिटवीन का काकाश के लिए यहाँ पर दिक्कतें हो चुकी है। स्प्रेस यहाँ पर टेकडाउन कर जाएंगे एंड फिलहाल यहाँ पर जो है टीम 13 एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। यानी कि बैड टाइमिंग इज द फर्स्ट टीम गेटिंग एलिमिनेशन फ्रॉम दिस ग्रैंड फाइनल्स ओपनिंग मैच में कहूंगा तो आर एस क्यू मीन्स यहाँ पर जो है बैड टाइमिंग्स का लाइनअप जो है फिलहाल यहाँ पर से एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। ऑन द सेम साइड फटाफट से मूव इन करूंगा टी सी जी की तरफ जो कि एक कैजुअलिटी के साथ वहाँ पर हमको देखने को मिली थी लेकिन बहुत जल्दी रिवाइवल हुआ एंड टॉट फॉर का बुक खेला बहुत अच्छा बन गया। यानी कि टी सी जी कमिंग अप विद ऑफ द टू किल्स एंड टू कैजुअलिटी यहाँ पर जो है वो टीम 8 के खाते में आती हुई नजर आएगी। अब फाइट लेंगे टी सी जी के साथ। टी सी जी विद द 4 मैन डी जी बात करूंगा मैं विद द 2 मैन मीन्स टीम नंबर 8 जो हमारी टॉट का लाइनअप कमिंग अप विद द 2 कैजुअलिटीज। दिक्कत यहाँ पर हमको टॉक के लिए देखने को मिल सकती है। टॉक का एलिमिनेशन यहाँ पर से बनता हुआ नजर आ सकता है। टीसीजी की तरफ से एक अच्छा मैं बोलूंगा एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हुए नजर आएंगे क्योंकि रोटेशन जो ये लेंगे ये रोटेशन जो है वो टॉट के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करेगा। टॉट करेंगे इस तरह की कोशिश लेकिन वहाँ पर गोली कनेक्ट नहीं हो पाई। गोली वो कनेक्ट कर नहीं पाई टॉट चला जाएगा। सीधे यहाँ पर मैं बोलूंगा तो एक स्लैमिंग देखने को मिलेगा तो पता होगा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर फिलहाल जो है वो टेकडाउन कर लिया जाएगा। टीसीजी मार्फ को यहाँ पर टेकडाउन कर लिया जाएगा। इन बिटवीन क्या मैं बात करूँगा तो जो टॉट का जो लास्ट प्लेयर बचा हुआ है वहाँ पर डेथ ओपी यहाँ पर से फिलहाल वो फॉल बैक करेगा जो कि यहाँ पर बहुत एक अच्छी स्ट्रेटेजी मैं कहूँगा। इन बिटवीन स्कल का भी जो है एक सिनेरियो क्रिएट होता हुआ फाइट का एंड बात करूँगा जी हाँ ये लोग भी कमिंग अप विद द 2 कैजुअलिटीज एंड बात करूँगा अगर मैं स्लॉट नंबर 6 की तो उनका भी एक प्लेयर हमको इन बिटवीन नॉक देखने को मिल रहा है। उसका रिवाइवल यहाँ पर से थोड़ा सा मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा था लेकिन बहुत टाइमली वो क्लोजर मैं कहूँगा टीआरएस बीस्ट का देखने को मिला जिसके चलते वो इजिली रिवाइवल यहाँ पर दिया जाएगा टू द क्या नाम है भाई ड्यूक थिन लेस को रिवाइवल फिलहाल यहाँ पर दिया जाएगा। And guys, don't forget to like the stream if you are new. If you are new in our stream. फिलहाल अगर मैं बात करूँ सर्कल तो फिलहाल यहाँ पर सर्की की साइड फॉर्म होता है यानी कि हार्ड शेप के सर्कल लेता हुआ कहीं ना कहीं जो अगला सर्कल बनता हुआ नजर आएगा वो सेंट्रलाइज सर्कल बनता हुआ नजर आ सकता है। एंड लेट्स सी कि डीजी क्राउन जो यानी कि फाइनली टीसीजी जो है वो एलिमिनेट कर देगी एंड टॉड जी हाँ टीसीजी फिलहाल कमिंग अप विद 3 नंबर ऑफ द किल्स विद 0 कैजुअलिटी विद बहुत ही प्यारा जो एक साउंड करती हुई नजर आएगी यानी कि यहाँ पर से जो गेम प्ले होने वाला है वो बहुत प्यारा कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। टीसीजी एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर चुके हैं। स्टार्ट इनको एक अच्छा मिल चुका है। इस स्टार्ट को फॉर श्योर बरकरार रखना चाहते होंगे स्किल्स के जो सिलसिला उसको बरकरार रखना चाहते होंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 किल्स इन देयर पॉकेट जो कि एक अच्छा साउंड करता हुआ नजर आएगा फॉर द टीम टीसीजी। इन बिटवीन एक बार नजरें रहेंगे ऑप्टिमस की साइड। ऑप्टिमस फिलहाल विद 0 किल देखने को मिलेगा। सर्कल के अंदर इन लोगों को एंट्री लेनी है। फर्स्ट जोन यहाँ पर श्रिंक स्टार्ट हो चुका है लेकिन फर्स्ट जोन का जो डैमेज है वो उतना ज्यादा खास हमको देखने को नहीं मिलेगा तो इजीली यहाँ पर मूव इन कर सकता है टुवर्ड द जोन। इन बिटवीन अगर मैं बात करूंगा हैदराबाद के लिए सॉरी HYD के हंटर्स के लिए तो फिलहाल यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन को ये लोग भी होल्ड करते हुए एक किल से भी सिक्योर कर चुके हैं। टीसीजी से फिलहाल जो है फाइट का वो सिनेरियो क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। टीसीजी कमिंग अप विद वन सॉरी लेकिन फाइट का जो सिनेरियो वो क्रिएट होता हुआ नजर आएगा टीसीजी का और HYD हंटर्स का। बात करूंगा ये सोलो प्लेयर्स जो है काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। ब्रीदिंग स्पेस धीरे धीरे कर इनके बीच में कम होती हुई नजर आ रही है यानी कि जो फाइट इनिशिएट होती हुई नजर आएगी इन दोनों के बीच में बहुत जल्दी। दिक्कत यहाँ पर हो सकती है टीसीजी के लिए फिलहाल अगर क्योंकि स्पॉट नहीं करा है एंड शायद आई थिंक वहाँ पर एक ढप्पे की सिचुएशन जो है वो HYD की तरफ से क्रिएट कर जा सकती है लेकिन ऑल्सो डोंट नो कि पीछे यहाँ पर टीसीजी के बंदे हैं एंड यहाँ पर से टीसीजी के बंदे हैं जो वो एक इजिली रोटेशन लेते हुए नजर आएंगे क्योंकि उनको सर्कल के अंदर एंट्री लेनी है तो सर्कल के अंदर जो एंट्री वो इजिली यहाँ पर से होती हुई नजर आएगी। ऑन द सेम साइड टीम नंबर 9 यानी कि मैं बात करूँगा राइजिंग वाइट की तरफ तो ये लोग भी रोटेशन लेते हुए नजर आएंगे इनका शायद यहाँ पर जो है वो क्लैश बनता हुआ नजर आ सकता है ऑप्टिमस के साथ। ऑप्टिमस के साथ एक क्लैश बनता हुआ नजर आ सकता है लोगों का। RBS RBES इज गोइंग टू होल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल
मूविंग करेंगे टूवर्ड द सर्कल एंड वहीं पे जो एक क्लैश फिलहाल बनता हुआ नजर आएगा वो बनता हुआ नजर आएगा D23 का। हाँ D23 कमिंग अप विद द फाइट मीन्स विद द क्लैश। जी हाँ काफी तक जो बंदे आ चुके हैं PLM की मैं बात करूँ तो इनके सामने ठीक ही बंदे आ चुके हैं। यहाँ पर स्पेस को टेक डाउन करे जाएंगे। जी हाँ वहाँ पर बात करूँगा तो ठीक ऊपर वो PB के बंदे रुक चुके हैं स्लॉट नंबर 2 की अगर फटाफट चलाज करूँगा तो जहाँ PB एक बंदे सारे ऊपर रुक चुके हैं। एंड मैं बात करूँ तो एक अच्छे सिचुएशन में फिलहाल D23 के बंदे ने फंसा चुका है। यहाँ पर एक सीनैरियो जो है वो सैंडविच सीनैरियो जो क्रिएट कर चुके हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर PB के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट सकता है। लेकिन फाइनली PB यहाँ पर फॉल बैक करते हुए नजर आएगी। लेकिन ठीक ऊपर D23 का एक प्लेयर हमको देखने को मिलेगा। दिक्कत यहाँ पर PB के लिए हो सकती है। इन बिटवीन TCG अगेन इन द फाइट नॉक निकालेगी लेवल 3 के एक प्लेयर का। आई डोंट नो लेकिन LV3 का। जी हाँ फिलहाल जो फाइट इनिशिएट होती हुई नजर थी जिसके क्लैश होने के चांसेस थे वो यहाँ पर क्लैश होती हुई नजर आ रही है। टीम बिटवीन की बात करूँ HYD हंटर के साथ यहाँ पर कंटिन्यूसली 2 टेकडाउन कर लिए जाएंगे। LV3 के दोनों प्लेयर फिलहाल यहाँ पर डाउन देखने को मिलेंगे। HYD मनीष यहाँ पर बचेंगे ऑन द सेम साइड। K12 S4 S40 यहाँ पर बचेंगे वो भी क्लोजर फटाफट से करना चाहेंगे क्योंकि ऑफ वहाँ पर देना चाहते होंगे एंड देना चाहेंगे। इन बिटवीन अगर मैं बात करूँ मनीष काफ़ी ज़्यादा क्लोज थोड़ा बहुत यहाँ पर इनसे उम्मीद रहने वाली है कुछ कवर फायर देने की। लेकिन इन बिटवीन अगर मैं बात करूँ कहीं ना कि जो उन दोनों प्लेयर्स के जो किल हैं वो सिक्योर होते हैं फॉर श्योर यहाँ पर नजर आने वाले हैं। TCG कमिंग अप विद द रिवाइवल मीन्स 4 प्लेयर्स अगेन इन देयर लाइन अप अगेन यहाँ पर मैं बात करूँगा तो 4v2 का सीनरी फिलहाल क्रिएट कर चुका है अगेंस्ट टीम HYD हंटर्स। अब 4IR अगेन तो फाइट में कह सकता हूँ 4IR कमिंग अप विद द 1 कैजुअलिटी एंड टीम नंबर 16 से फिलहाल फाइट लेते हुए नजर आएंगे। एलिमिनेशन यहाँ पर से फिलहाल एक बनता हुआ नजर आएगा। अगर मैं फटाफट से नजर डालू टूवर्ड द टीम ZN की तरफ अगर मैं फटाफट से नजर डालूंगा तो जी हाँ एक कल सॉरी 4 किल्स इन द पॉकेट एक अच्छा स्टार्ट इनको मिल चुका है यहाँ पर से। हाँ 4 किल्स इन द पॉकेट एक अच्छा स्टार्ट इनको मिल चुका है। ऑन द सेम साइड TCG यहाँ पर हावी पड़ती हुई नजर आएगी HYD हंटर्स के ऊपर एंड HYD हंटर्स कमिंग अप विद द लास्ट मैन कहीं ना कहीं वो फॉल बैक यहाँ पर से फॉर शॉक करने का चाहेगा। अब पोजीशन पॉइंट्स का यहाँ पर से जाता हुआ नजर आएगा HYD K12 S40 इन बिटवीन HYD के बाकी के प्लेयर्स के जो किल है वो सिक्योर कर लिए जाएंगे। ऑप्टिमस एक अच्छे रोटेशन में हमको देखने को मिल रही है। शायद यहाँ पर एक और क्लैश बनता हुआ नजर आ सकता है TCG का अगर वो लोग सीधा रोटेशन मारते हुए यहाँ पर से नजर आने वाले हैं। यस सिंगल इन बिटवीन TCG कमेंट करते हुए स्पैम करते हुए तो भाई मैं ऑलरेडी बता दूँ 6 किल साथ एक अच्छा साउंड कर रहे हैं TCG का लगा। TCG कमिंग अप विद द 6 नंबर ऑफ द किल्स इन द स्टार्टिंग फाइट्स इन द अर्ली फाइट्स एंड गुड साउंड यहाँ पर करती हुई एक अच्छा साउंड यहाँ पर से करती हुई नजर आएगी। ऑन द सेम साइड PB यानी कि यहाँ पर PBX ऑफिसर्स के बंदे अगेन इन द फाइट हमको देखने को मिलेंगे नजर रहेंगी PB के ऊपर। फिलहाल यहाँ पर जो रिवाइवल का सिनेरियो वो इसलिए यहाँ पर क्रिएट होता है नजर हमको आएगा। इसलिए यहाँ पर रिवाइवल का सिनेरियो क्रिएट कर लिया जाएगा रिवाइवल यहाँ पर इसलिए दे दिया जाएगा। लेट्स सी फिलहाल अगर कोई और फाइट यहाँ पर इनिशिएट होती भी नजर आएगी तो मूव इन करेंगे उसकी साइड। जी हाँ यहाँ पर लेजेंड इजिली मूव इन करेगी टुवर्ड्स द गट का एक और सर्कल यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। सर्कल के अंदर एंट्री बहुत सारी टीम्स को लेनी है जैसे कि मैंने कहा था कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज जोन फॉर्म होता हुआ नजर आएगा एंड सेम सेंट्रलाइज जोन फिलहाल यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आ चुका है। TCG अगेन मैं बोलूंगा जोन का डैमेज थोड़ा लेती हुई नजर आएगी। फटाफट से इनके लिए रोटेशन डालना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जितना ज्यादा डिले करेंगे उतना ज्यादा मुश्किल यहाँ पर जाएंगे सर्कल के अंदर एंट्री लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू कवर द जोन देन दे हैव टू एंटर इन द सर्कल एज वेल। बात करूंगा HYD के K12 S40 बहुत पहला डिसीजन जो इनका फॉल बैक का वो डिसीजन था क्योंकि यहाँ पर से पोजीशन पॉइंट्स आर गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट। अब बात करूंगा स्कल के स्कल कमिंग अप विद 2 नंबर के ज्वेलरीज विद आउट ऑफ द 0 कर्ल्स। दिक्कत है स्कल के यहाँ पर देखने को मिल सकती है हमको एक अटपटी सिचुएशन में फिलहाल यहाँ पर स्नेक बने हुए क्योंकि सामने कोई बंदा आ जाए इसलिए स्पॉट करे जा सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत इनके लिए पैदा हो सकती है। लेकिन बात करूँगा इनके रोटेशन के लिए यहाँ पर हमको थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिलेगी क्योंकि टीम नंबर 16 ऑन द एज ऑफ द जोन यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही है इनके ठीक सामने हमको देखने को मिलेगी यानी कि रोटेशन होने वाले इनके बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक रोटेशन डालने की जरूरत। टेक्निकल कटर इन बिटवीन टपा टप अरे ब्रो टपा टप तो चलेगा यार बहुत तगड़ा। एंड गाइस मैं कहूँगा 14 लाइक्स हो चुके हैं फटाफट से 20 लाइक्स का हमने टारगेट रखा तो प्लीज़ गो फटाफट से हिट कर दो लाइक्स का बटन अगर अभी आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो फटाफट से लाइक कर दो यार लाइक ठोक दो। इन बिटवीन सारी टीम जोन के अंदर एंट्री लेना चाहती है वहाँ पर एक और फाइट इनिशिएट होती हुई नजर आएगी। टीम नंबर 15 कमिंग अप विद द 1 नॉक लेट्स सी रिवाइवल इज इजी और नॉट। इन बिटवीन RBS अपने ही नेट से अपने ही बंदे को फोड़ देगी जो दिक्कत क्रिएट करेगी फॉर द टीम RBS। एंड बात करूँ टीम नंबर 9 की तरफ तो कमिंग अप विद द 1 कैजुअलिटी मींस आई थिंक द टीम नंबर 15 हैज सिक्योर्ड दैट किल। जी हाँ इन्होंने वो किल को सिक्योर्ड कर लिया है। एंड रिवाइवल का जो सिनेरियो है वो भी यहाँ पर एक अच्छा सा क्रिएट करते हुए नजर आ सकता है लेकिन टीम मैंने यहाँ पर फाइट लेती हुई नजर आएगी फॉर दिस टीम। एंड बहुत प्यारा वो शॉट लेना चाहते थे लेकिन टेकडाउन करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा कनेक्ट में कहूँगा तो वो शॉट नहीं कर कर गया। इन बिटवीन में बात करूँगा टॉड यहाँ पर एंट्री लेना चाहता है जोन के अंदर HYD भी जोन के अंदर एंट्री लेना चाहता है TCG में बात करूँगा किसी सर्कल के अंदर एंट्री लेती हुई नजर आएगी।
फटाफट यहाँ पर हीलअप करेंगे, अगले जोन के अंदर एंट्री लेंगे। लेट्स सी यहाँ पर जो फाइट इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है वो फिलहाल यहाँ पर जो है वो इनिशिएट होती हुई नजर आएगी टीम नंबर 4 के बीच में अब विद द सीन नंबर 12 जो कि PBX ऑफिशियल का लाइनअप है वर्सेज यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा वेपन का लाइनअप फिलहाल। जी हाँ, ब्रीथिंग स्पेसिंग के बीच में कम होती हुई नजर आएगी। कटपटी सिचुएशन यहाँ पर एक अच्छी TPP के सिचुएशन में बैठे हुए हैं एंड बहुत प्यारी कैंपिंग मैं बोलूंगा यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं पर दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं PBK के कुछ प्लेयर्स के लिए क्योंकि बाद में जैसे स्पॉट हो जाएंगे तो वहाँ पर 2 फोकस नहीं रहे, वो दिक्कतें फॉर श्योर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर रेडी रहेंगे। जोन के अंदर देखने को मिलेंगे यानी कि कहीं ना कहीं जो PBK के बंदे हैं वो चाहते हैं उस कंपाउंड को होल्ड करना है, वहाँ पर स्काउट कर रहे हैं कि कोई प्लेयर है कि नहीं एंड अगर मैं देखना चाहूँ कि वहाँ पर कोई व्हीकल है कि नहीं जिसके चलते यहाँ पर स्पॉट करा होगा। नहीं, व्हीकल तो अच्छा खासा यहाँ पर उन्होंने हाइड कर रखा है तो मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं नॉर्मल स्पेक्टेट करना चाहते हैं, नॉर्मल स्काउट करना चाहते हैं किसी भी प्लेयर्स को वहाँ पर कि है कि नहीं। एंड बिटवीन अगर मैं बात करूँगा K12S40 स्टिल वहाँ पर रनिंग व्हीकल उनके पास है नहीं, जोन के अंदर इनको एंट्री लेनी, सर्कल के अंदर इनको एंट्री लेनी है। ऑन द सेम साइड वहाँ पर इविल एक फाइट में इनिशिएट होते हुए नजर आएंगे, इविल एक लोग वहाँ पर इजिली टेक डाउन कर लेंगे, एक किल यहाँ पर इविल के खाते में जाता हुआ नजर आएगा। सॉरी फॉर दिस ब्रेक, मैं बात करूंगा रॉटन की टीम एक अच्छी पोजीशन को होल्ड करके बैठी है, रोजॉक के अंदर हम कोई लाइनअप देखने को मिलेगा एंड लेट्स सी यहाँ पर से जो फाइट कितनी इनिशिएट होती हुई नजर आएंगी, कितनी इंटरेस्टिंग यहाँ पर से हमको फाइट देखने को मिलेगी। सर्कल यहाँ पर जोन की बात करूंगा, जोन स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है, दिक्कत यहाँ पर फिलहाल जो है वो एविल के लाइनअप को शायद यहाँ पर अच्छे खासे किल्स मिल चुके हैं, 2 किल्स इन दिया पॉकेट आई कैन से एंड वहाँ पर जो है टीम 7 के यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेंगी। टीम 7 कमिंग अप विद द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड यहाँ पर नेट स्पैम ग्रेनेड जो है वो स्पैम हो चुके हैं। मैं कहूँगा शिवम बाबा बच्चे हुए सीधे पुशअप देखने को मिलेगा, यहाँ पर फ्री स्पेस के साथ घुसना, फ्री फायर के साथ वहाँ पर घुसना चाहते थे लेकिन एट लास्ट टीम 7 एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। 19th पोजीशन आई थिंक द सेकंड टीम एलिमिनेटिंग फ्रॉम दिस गेम, जी हाँ सेकंड टीम एलिमिनेटिंग फ्रॉम दिस मैप आई कैन से। अगर वहाँ पर स्पॉट करा टेक डाउन उसके ऊपर स्प्रे कर जाएंगे ऑप्टिमस के द्वारा लेकिन नॉक देने लायक वो डैमेज नहीं था। लेट्स गो आदित्य, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, वेलकम बैक आई कैन से। और TCG एट द एंड ऑफ द जोन स्पॉट कर सकती है टॉड के बंदों को, टॉड का जो लास्ट किला उसको भी सिक्योर कर सकती है। इन बिटवीन वहाँ पर PBK के बंदों को टेक डाउन कर लिया जाएगा, PBK अगेन इन द फाइट अगेंस्ट से टेक पार्ट करती हुई नजर आएगी, PBK के क्रशी को टेक डाउन कर लिया गया। रिवाइवल फिलहाल जो रिवाइवल का सिनेरियो वो यहाँ पर क्रिएट करा जाएगा। बात करूंगा गायरो गॉड को भी टेक डाउन कर लिया गया, मशीन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम द टीम 4 एंड यहाँ पर सीधे 7 पड़ेगा, दिक्कत यहाँ पर हो चुकी है टीम 4 के। टीम 4 इज द थर्ड टीम गेटिंग एलिमिनेशन फ्रॉम दिस मैप आई कैन से एट द 18th पोजीशन विद आउट ऑफ द 0 किल्स। एक और फाइट यहाँ पर इनिशिएट होती हुई नजर आएगी हैदराबाद वॉरियर्स की, यहाँ पर एक टेक डाउन इनका भी निकाल दिया जाएगा, एक नॉक इनका भी देखने को मिलेगा। टीम नंबर 9 कमिंग अप विद वन मोर फाइट, ऑलरेडी वन मैन कैजुअलिटी हो चुकी है एंड यहाँ पर एक और फाइट इनिशिएट होती हुई नजर आएगी इनकी। एंड मैं बात करूँगा तो वहाँ पर WO फायर काफी ज्यादा लोग हमको इस बीच देखने को मिलेंगे लेकिन 2 प्लेयर हमको हैदराबाद वॉरियर्स से भी डाउन देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं बात करूँगा तो 3v2 का सीनेरियो यहाँ पर बनता हुआ एंड एक और प्लेयर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आई थिंक लास्ट मैच गई थी जाएगा। जी हाँ फिलहाल यहाँ पर जो है इजी 4 किल्स अपने पॉकेट में लेते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर इजी यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए नजर आए। इन बिटवीन में बात करूंगा PBX ऑफिशियल्स भी यहाँ पर एक इजिली 2 किल्स अपने पॉकेट में ले चुकी है एंड अच्छा साउंड यहाँ पर से जो टीम कर रही है वो फिलहाल मैं बात करूंगा तो टीम यहाँ पर WO करेगी क्योंकि 4 किल्स इन द पॉकेट 1v2 का वो जो सीनेरियो बहुत ही प्यारा मेरे को देखने को मिला था टाइटन ओपी की तरफ से भी और फायर की तरफ से भी। एक और यहाँ पर जो जोन फॉर्म होता हुआ एज यूजुअल जो हार्डशिप में एक्सपेक्ट करने वाला था वही हुआ एंड यहाँ पर एक हार्डशिप लेता हुआ नजर आएगा जोन। TCG कहीं ना कहीं अर्ली रोटेशन को मार कर एक इजिली होल्ड कर सकती है सर्कल को, एंट्री सर्कल के अंदर देखते हैं कि कौन सी टीम किस टीम को बीटी देती हुई नजर आएगी फॉर द सर्कल एंट्री रहेगी नजर एक बार। D23 की तरफ काफी ज्यादा अच्छा लाइनअप ही जाना जाता है, नो दिस लाइनअप वेरी वेल लेकिन लेट्स सी कि इस गेम में किस तरह से परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। रोटेशन की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छे मैं कहूंगा तो ले जा रहे हैं बट विद 0 किल्स अभी तक यहाँ पर देखने को मिलेंगे एंड लेट्स सी कि यहाँ पर के जो अपकमिंग रोटेशन होने वाले वो कितने इंटरेस्टिंग यहाँ पर से होने वाले बात करूंगा। जी हाँ सारी टीम से एक अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक करती हुई नजर आएंगे, लेट्स सी द नंबर ऑफ द गर्ल्स पॉकेट में किस किस के हैं तो जी हाँ WO के खाते में हमको केवल 4 किल्स देखने को मिलेंगे। इन वीडियो में बात करूंगा टीम नंबर 11 के खाते में हमको देखने को मिलेंगे 4 किल्स, PBX ऑफिशियल के खाते में 2 किल्स, टीम में के खाते में 4 किल्स। ओके तो सबसे अच्छा साउंड जो अभी कर रही है वो TCG साउंड कर रही है क्योंकि TCG इज द ओनली टीम हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ द किल्स टिल नाउ एंड लेट्स सी व्हाट इज द अपकमिंग फाइट इज गोइंग टू क्रिएट द सिनेरियोस फॉर द अपकमिंग फाइट्स। फिलहाल यहाँ पर जो है वो एक रोटेशन जो है वो D23 की तरफ से लिया जाएगा, एक अर्ली रोटेशन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि लिया जाएगा इनकी तरफ से। सर्कल्स के अंदर एंट्री सभी टीम को चाहिए, लेट्स सी कि कौन कौन सी टीम्स उसमें सक्सेसफुल हो पाती है, कौन कौन सी टीम जो है वो BT प्रोवाइड करती हुई नजर आएंगे फॉर द पॉजिटिव में। जैसे कि मैंने कहा था TCG अर्ली रोटेशन के थ्रू एक लेफ्ट रोटेशन के थ्रू इजिली होल्ड कर सकते सर्कल को तो उनको इजिली सर्कल के अंदर एंट्री मिल चुकी है। हाँ भाई TCG इज अगेन इन द सर्कल आई कैन सी
बात करूंगा फिलहाल यहाँ पर अमन की, तो अमन शायद आई थिंक द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम दिस टीम नंबर 17 एंड हाँ एसजी पोजीशन यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक पोस्ट या फिर मैं स्लैमिन देखने को बोल सकता हूँ क्योंकि लास्ट प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पर है कैम पोजीशन कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ क्लोजन देखने को मिल सकता है क्योंकि टीम सी जो कंपाउंड्स होल्ड करना पसंद करती हैं एट दिस सिचुएशन। ऑन द सेम साइड रॉटन इज गोइंग टू टेक अन रोटेशन टू एंटर द टू गेट एंट्री इन द सर्कल, लेकिन आई सी कि कहीं ना कहीं इनका एक क्लैश बनता हुआ नजर आ सकता है विदर ऑफ द टीम नंबर 16, बट टीम नंबर 16 ऑलरेडी गोइंग टू एंगेज विदर ऑफ द टीम नंबर 2 सॉरी टीम नंबर 6 के साथ फिलहाल यहाँ पर एज ऑफ आई डी नीचे डुबती हुई नजर आएगी। जैसे तैसे तैसे जैसे यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हैं जोन के अंदर एच वाई डी की बात करूंगा तो ये आउट ऑफ द जोन यहाँ पर रोटेशन मारते हुए टॉड के बंदे भी बाहर, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है वो भी आउट ऑफ द जोन पर जो है एक रोटेशन मारता हुआ नजर आएगा। टीसीजी की बात करूंगा तो जॉर्ज सिडिक मैंने एक्सपेक्ट करा था इनसे, लेकिन सीधे घुसेंगे जॉर्ज पुल में, जॉर्ज पुल को यहाँ पर होल्ड करने की स्ट्रेटेजी बना चुके हैं, सीधे घुस चुके हैं जॉर्ज पुल के अंदर। लेट्स सी किस किस टीम्स के अपकमिंग टीम्स के यहाँ पर दिक्कतें क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। इन बिटवीन जो जोन श्रेंगे वो भी यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाएगा एंड लेट्स सी कि जो अगला सर्कल फॉर्म होता नजर आएगा आई थिंक वो यहाँ पर थोड़ा सेंट्रलाइज बनता नजर आ सकता है क्योंकि ये जो जोन है वो कहीं ना कहीं हार्डशिप लेता नजर आता है, तो फॉर श्योर कहीं ना कहीं जो अगला सर्कल है वो एक सेंट्रलाइज बनता हमको नजर आ सकता है। एंड बिटवीन टीम नंबर 2 कमिंग अप विद द वन नॉक जो कि दिक्कत यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। बात करूँ फिलहाल यहाँ पर सारी टीम्स एंड टू एंड जोन खेलती हुई नजर आएंगी, कुछ ही टीम्स यहाँ पर जब वो सर्कल को सेंटर ऑफ द होल्ड में कहूंगा तो करिए फोर एम एस एस द ओनली टीम गेटिंग द सेंटर पोजीशन। बाकी सारी टीम से बात करूंगा एक बार फिलहाल जो आउट ऑफ द सर्कल हमको कोई टीम देखने को नहीं मिल रही, आउट ऑफ द जोन हमको फिलहाल दो प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं एच वाई डी K12S40 एंड वहीं पे ऑन द सेम साइड टॉड के डेथ ओपी। बाकी सारी टीम्स हमको अंदर सर्कल देखने को मिल रही है, D23 इजीली सर्कल के अंदर मिल जाएगी उनको भी एंट्री क्योंकि ऑलरेडी टू प्लेयर्स आर इन द सर्कल। सिंस ऑफ आईटी वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। सारी टीम्स फिलहाल यहाँ पर एक अच्छा साउंड करती हुई, सारी टीम्स यहाँ पर एक अच्छा गेम प्ले निकालना चाहती है, सारी टीम्स जो है वो एक अच्छा पेशेंस यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है, एक अच्छा होल्ड के साथ यहाँ पर गेम प्ले दिखाती हुई नजर आ रही है क्योंकि दे नो दिस इज द ग्रैंड फाइनल्स एंड दे हैव टू गेट द चिकन डिनर एनी हाउ और द गुड पॉइंट्स इन देयर पॉकेट सो दैट दे कैन गेट अ गुड पोजिशन इन द पॉइंट्स टेबल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक दैट्स वाई ऑल द टीम्स आर प्लेइंग वेरी सेफ। फिलहाल यहाँ पर एक और सर्कल फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, वो सर्कल यहाँ पर दिक्कतें क्रिएट करेगा क्योंकि यहाँ पर जो सर्कल छोटा बनता हुआ नजर आएगा वहाँ पर जो है टीम को जो एंट्री मिलेगी सर्कल के अंदर वो यहाँ पर जो दिक्कत यहाँ पर क्रिएट करेगी। इन बिटवीन यहाँ पर जो है पीबीएक्स ऑफिशियल जो है वो एक नॉक निकाल लेगी टीम नंबर 18 का, लेकिन कोई भी वहाँ पर सिनेरियो नहीं होगा पुश का, लेकिन यहाँ पर जो सर्कल है वो फॉर्म होता हुआ नजर आएगा एंड जी हाँ एक्सपेक्ट था सेंट्रलाइज का लेकिन बनेगा हार्ड शिफ्ट। टीसीजी इन द जोन हमको देखने को मिलेगा, स्कल का कहीं ना कहीं जो है वो एक क्लैश बनता हुआ नजर आ सकता है अब टीम टीसीजी के साथ। इन बिटवीन में बात करूंगा एच वाई डी K12S40 अच्छी पोजीशन को होल्ड कर चुके हैं इन द सर्कल यहाँ पर मैं बोलूंगा देखने को मिले थे नाउ आउट ऑफ द जोन यहाँ पर एक और मैं बोलूंगा तो एक और आउट ऑफ द जोन यहाँ पर रोटेशन इनकी तरफ से भी देखने को मिलेगा। लेट्स सी यहाँ पर से अर्ली रोटेशन जो है वो RBES की तरफ से देखने को मिला है, टीम नंबर 16 भी एक अर्ली रोटेशन लेती नजर आएगी, रॉटन के साथ एक क्लैश बनता नजर आ सकता है, ये दोनों टीम्स गोइंग फॉर द जॉर्ज पुल मीन्स क्लैश आर कमिंग अप, क्लैश आर गोइंग टू बी बहुत सारे नंबर ऑफ द क्लैश यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। टीम नंबर 11 फिलहाल काफी ज्यादा क्लोज हमको देख रही है, टीम नंबर 2 के यानी कि क्लैश यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ सकता है, सेम साइड पीबीएक्स ऑफिशियल की तरफ से भी एक अर्ली रोटेशन हमको देखने को मिल रहा है। आरबीएस के फिलहाल यहाँ पर जो है वो फाइट क्रिएट हो चुके हैं, क्लैश यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, आरबीएस इज कमिंग अप विद अ वन नॉक एंड कहीं ना कहीं शायद यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। जी नहीं, यूवी काफी ज्यादा लोग हमको इस बीच देखने को मिले थे, थोड़ा सा एक ग्लिच होता हुआ नजर आएगा, यूवी यहाँ पर टेक डाउन कर लिए जाएंगे इजीली। जी हाँ नहीं, यूवी बार बार बसते हुए नजर आएंगे यहाँ पर इन बेट वी मैं बोलूंगा। तो फिलहाल टीसी जो है वो एक फाइट में इनिशिएट होती नजर आएगी, फिर टीम रॉटन रॉटन के एक प्लेयर को टेक डाउन कर लिया जाएगा, ऑलमोस्ट वहाँ पर काफी ज्यादा लोन को छोड़ा। इन बिटवीन एक बार फिर से नजर डालूंगा टीम नंबर 11 की तरफ, जी हाँ टीम नंबर 11 कमिंग अप विद द वन कैजुअलिटी एंड द वन नॉक, बाकी दो प्लेयर्स कहने के किसी भी तरह क्लोजिंग करना चाहते होंगे। जी नहीं, रोटेशन थोड़ा चेंज मैं कहूंगा या फिर लेट रोटेशन मैं कहूंगा, जी हाँ लेट रोटेशन के चलते फिलहाल यहाँ पर जो वो थोड़ा सा होल्ड रहने वाला है, गेम यहाँ पर थोड़ा सा चिपकता हुआ नजर आएगा बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ द प्लेयर्स एंड द नंबर ऑफ द टीम सर्वाइविंग इन द लास्ट सर्कल, जिसके चलते फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा गेम चिपकता हुआ हमको नजर आएगा, स्ट्रीमिंग में थोड़ी सी दिक्कत नजर आएगी बिकॉज ऑफ द ओपी प्लेयर्स इन द लास्ट जोन इन द सॉरी इन दिस स्मॉल सर्कल। जैसे जैसे प्लेयर्स क्लोज आते रहते हैं वैसे वैसे थोड़ा जो है डिवाइस दिक्कतें पैदा करता है। मैं बात करूँ फिलहाल यहाँ पर कप्तान को जो है इजिली रिवाइवल का सिनेरियो वो इजिली क्रिएट कर चुके हैं वहाँ पर एविल। इन बेटरी अगर मैं बात करूँगा लेजेंड फाइनली एंट्री लेगा सर्कल के अंदर एंड वहाँ पर कहीं ना कहीं जो क्लैशेस होंगे वो होंगे टीसीजी के साथ, टीसीजी के अगर कंजर को स्पॉट कर लिया दिक्कत यहाँ पर कर देंगे लेजेंड के एमजे। स्पॉट यहाँ पर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आई कैन से, टीसीजी को अगर स्पॉट यहाँ पर कर लिया बाकी के दो प्लेयर सीधे एंट्री ले चुके हैं, दिक्कत यहाँ पर क्रिएट करी जाएंगी कंजर के द्वारा, कंजर का फाइनल यहाँ पर जाए पोजीशन रिवील कर दी जाएगी वहाँ पर कहीं बाकी स्पॉट देंगे फिर यहाँ पर टीम करके, लेकिन अगर कंजर यहाँ पर ना हो जाते हाँ कंजर यहाँ पर फाइनल नॉक हो चुके, दिक्कत का जो सीनेरियो वो इनके लिए क्रिएट होता हुआ टीसीजी कमिंग अप विद द टू कंटीन्यूअस नॉक्स। यहाँ पर फिलहाल मैं बात करूंगा तो
अब मारूफ ये जो है वो इजिली रिवाइवल दे दिया जाएगा। रणवीर की बात करूंगा वो ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन को होल्ड कर चुके हैं, कहीं ना कहीं कव फायर देते हुए नजर आने वाले हैं। और टीम ऑफ 14 की बात करूंगा तो भाई टीम ऑफ 14 के दो प्लेयर्स गए का एलिमिनेट हो गए, हो एम जी सॉरी टीम ऑफ 3 के अमीन ऑप्टिमस कमिंग अप विद द टू नंबर ऑफ द कैजुअलिटीज जो कि यहाँ पर शायद व्हीकल को एक्सप्लोड कर दी गई होगी। एंड आई थिंक द रॉटन इज द टीम दैट नहीं रॉटन ने होल्ड नहीं करे वो किल्स, सो आई थिंक दैट द टीसीजी इज द टीम। ओके द टीसीजी कमिंग अप विद द 7 नंबर ऑफ द किल्स एक अच्छा साउंड करती मिलता है टीसीजी की टीम। अभी तक 15 टीम्स आर स्टिल अलाइव आई कैन से, एंड इन बिटवीन शायद वहां पर जो है HYDK K12 S40 को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि कोई टीम पर इन बिटवीन यहां पर एलिमिनेट होती नजर आई। फिलहाल जो टीम टीसीजी है वो दिक्कत यहां पर ऑप्टिमस के लिए क्रिएट करती हुई, अच्छी खासी दिक्कत यहां पर पैदा करती हुई फॉर द टीम ऑप्टिमस। एंड ऑप्टिमस आ चुकी है अंडर वाटर, नो और आई कैन से बीनीथ द जॉर्ज पुल आई कैन से इन बिटवीन एक और सर्कल यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। टीसीजी आउट ऑफ द जोन यहाँ पर जाती हुई नजर आएगी। रॉटन की टीम को भी यहाँ पर सर्कल के अंदर एंट्री लेनी है। ETR का लाइन पे अच्छा खासा डैमेज ले रहा है जोन का, जिसके चक्कर में पर शायद एक एलिमिनेशन बनता हुआ नजर सकता है। अब फिलहाल यहाँ पर काफी सारा डिले कर दिया फॉर द आई कैन से जी हाँ, यहाँ पर एक नॉक देखने को मिलेगा लास्ट प्लेयर पर बसते हुए नजर आएंगे TRBs। एंड आई थिंक इट इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई थिंक, हाँ यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए था, रिवाइवल वहाँ पर देना चाहते थे जो कि एक बहुत ही गलत डिसीजन था ऑन द बिकॉज ऑफ द दे आर ऑलरेडी टेकिंग द डैमेज ऑफ द जोन एंड इंस्टेड दे आर गोइंग फॉर द रिवाइवल, जो कि एक बहुत ज्यादा गलत सीनारी वहाँ पर क्रिएट करते हुए नजर आ रहे थे, जिससे चलते यहाँ पर एक एलिमिनेशन भी फर्स्ट और उनका देखने को मिला। और रॉटन की तरफ नजर आऊंगा तो 4 कल्स इनके खाते में भी हमको देखने को मिलेंगे, एक अच्छा साउंड यहाँ पर रॉटन की टीम भी करते हुए नजर आ रही है। लेकिन टीसीजी कमिंग ऑफ 7 कल्स सबसे ज्यादा अच्छा साउंड कर रही है टीसीजी की टीम फिलहाल के लिए। टॉड की बात करूंगा, टॉड के जो प्लेयर है वो एक अच्छी पोजीशन को फिलहाल अभी तक बना चुका है, 0 कल्स इनके 14 पोजीशन तक आ चुके हैं। लेकिन अगर 13 या 14 पे एलिमिनेट होंगे तब भी यहाँ पर 0 पॉइंट से लेकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि टॉप 12 में किसी भी तरह जगह बनाए फॉर द 1 पॉइंट एटलीस्ट। इन बिटवीन स्कल्स की तरफ से एक रोटेशन हमको देखने को मिल सकता है, टीसीजी और रॉटन का यहाँ पर जो है वो क्लैश बनता हुआ नजर आ सकता है, 3v3 का शायद नहीं 3v4 का वो सिनेरियो अगेंस्ट द टीम रॉटन। एंड आई थिंक यहाँ पर टीसीजी एक अच्छा साउंड करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 7 कल्स हमको देखने को मिलेंगे जो 3 फाइट्स यहाँ पर लेकर आ चुकी है टीसीजी का लाइनअप, जिसके चलते यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक मैं बोलूंगा टीसीजी का ज्यादा यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द टीम रॉटन। रॉटन डेल्टा का लाइनअप फिलहाल यहाँ पर टीसीजी का एक अच्छा डिसीजन, यहाँ पर मूव इन करेंगे टू वर्ड जोन बाय दैट ऑफ द व्हीकल। इन बिटवीन PB के यहाँ पर दिक्कत पैदा हो चुकी है, PB कमिंग अप विद द 1 कैजुअलिटी। इन बिटवीन यहाँ पर जो फाइट लेती नजर आ रही है वो टीम नंबर 2 हमको नजर आ रही है, टीम नंबर 2 फिलहाल यहाँ पर एक नॉक देखने को मिलेगा था फेथलेस का, एंड इनका जो एलिमिनेशन है वो फॉर श्योर यहाँ पर सक्सेस कंफर्म है। बाकी के ब्रिज की तरफ एक बार नजर डालना चाहूंगा इसके, तो जहाँ पर रोटेशन मारते हुए नजर आएंगे इजिली टू वर्ड द जोन 4 MS एक अच्छी पोजीशन पर हमको फिलहाल के लिए देखने को मिलेगी। लेकिन कमिंग अप विद द 1 कैजुअलिटी एंड द 1 नॉक एंड रिवाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस क्रूशियल मोमेंट आई कैन से। इन बिटवीन RBESB जो है एक अच्छा रोटेशन यहाँ पर से लेती हुई नजर आ सकती है, लेकिन सर्कल इनसे ज़्यादा दूर नहीं है तो इजीली यहाँ पर सर्कल को होल्ड कर लेगी, सर्कल के अंदर एंट्री ले लेगी एज यूजुअल है एंड कैन होल्ड द सर्कल। इन बिटवीन TCG की तरफ से एक अच्छा रोटेशन हमको देखने को मिलता था, लेकिन फाइनली वो जो क्लैश है वो बनता हुआ नजर आएगा रॉटन के साथ, कहीं यहाँ पर लेट सकते यहाँ पर रॉटन की टीम में फाइट लेकर रहेगी या फिर लेकर जाएगी TCG का लाइनअप। एंड वहाँ पर इन बिटवीन PBX ऑफिशियल्स को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, TCG कमिंग अप विद द 1 मोर कैजुअलिटी। इन बिटवीन मैं रॉटन की बात करूँगा तो जी हाँ रॉटन फिलहाल पर कमिंग अप विद आई कैन से विद 0 कैजुअलिटीज अभी तक TCG के साथ एक आपको देखने को लिया गया है जी नहीं TCG कमिंग अप विद द 2 प्लेयर्स था। एंड वहाँ पर एक बहुत सारा नॉक निकाला जाएगा, किलो फाइटर एकदम से निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्रिएट कर चुके थे एंड सो TCG का जो है वो एलिमिनेशन यहाँ पर से बनता हुआ नजर आएगा। 7 किल्स फिलहाल यहाँ पर रॉटन के हमको देखने को मिलेंगे, मॉर्फियस जो है वो आउट ऑफ द जोन यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे, वॉल शैडो यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन में फिलहाल हमको देखने को मिलेंगे। टॉप 10 में अपनी जगह बना चुके हैं, टॉड की बात करूंगा तो टॉड एक अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, टॉप 10 में वो भी जगह बना चुके हैं। बिटवीन वो बहुत ज्यादा परफेक्ट वो नेट, जिसके चलते यहाँ पर शैडो रुक के काफी ज्यादा क्लोज वो नेट फूटा था एंड काफी ज्यादा लो कर गया था। एंड फाइनली यहाँ पर जो एक और नेट आता जिसके चलते यहाँ पर वॉल शैडो को जो है वो एलिमिनेट कर देता है, एलिमिनेशन उनका भी देखने को मिलेगा। बिटवीन यहाँ पर लेजेंड के बंदे स्पॉट करते हुए स्कल के बंदे को डैमेज यहाँ पर देने की कोशिश, स्कल का लास्ट सॉरी लेजेंड का लास्ट मैन यहाँ पर स्टैंडिंग, और कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत है बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकता है, लेकिन क्या सक्सेसफुल हो पाएगा उस सीट में। राइट में वो बंदा आता हुआ दिक्कत है, वो बंदा क्रिएट कर सकता है फॉर एम एलिमिनेट कर सकते हैं जो साउंड क्रिएट करता है वो फॉर द आई डोंट नो व्हाई ही इज टेकिंग दिस लॉट ऑफ द डैमेज आई थिंक आउट ऑफ द जोन, नो आउट ऑफ द जोन नहीं है, जोन इजीली जा सकता है। बात करूंगा टीम सिक्स की तरफ, 4 मैन ये लोग साउंड कर रहे हैं, 6 कल्स इनके पॉकेट में भी हैं, तो एक अच्छा साउंड ये भी यहाँ से कर सकता है, लेकिन रॉटन की टीम कहीं ना कहीं यहाँ पर से किसी चिकन ले जाते हुए उनको नजर आ सकती है। इन बिटवीन दे आर ऑल्सो गोइंग टू टेक द पोजीशन इन द वॉटर एक्सेल्फ एंड वहाँ पर स्पेस सिग्नल करेगा इसे, लेकिन पहले इनको भी डिफेंड किया जाएगा, स्कल की टीम यहाँ पर फिलहाल एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। इन बिटवीन मैं बात करूंगा तो HW यानी कि रॉटन की टीम कमिंग अप विद द 1 कैजुअलिटी विद 9 किल्स एक अच्छा साउंड करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लोज आते हुए एक और किल यहाँ पर इनके पॉकेट में जाता हुआ नजर आएगा। इन बिटवीन अगर मैं बात करूंगा टीम नंबर 16 टीम नंबर 18 की,
तो चार कल्चर के खाते में आरबीआई साइको को टेक डाउन कर लिया जाएगा। रिवाइवल इनका सिनेरियो जो है, रिवाइवल का सिनेरियो जो है वो यहां पर क्रिएट करा जाएगा। अब फिलहाल बात करूं, काफी ज्यादा छोटा ही सर्कल हो चुका है, सभी टीम को एंट्री लेनी है सर्कल के अंदर, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट मैं कह सकता हूं यहां पर होने वाला है। टीम में 16 आउट ऑफ द जोन जाती हुई, जोन का डैमेज यहां पर लेती हुई, वो भी अंडर वाटर कहीं का एलिमिनेशन, यहां पर से काफी ज्यादा प्लेयर्स का हमको देखने को मिल सकता है टीम में 16 का। तीनो क्या बच पाएंगे, ओएमजी डॉट एससी यहां पर बस नजर आएंगे। इन बिटवीन यहां पर किनो किनोत को यहां पर जो टेक डाउन निकाला टीम में 16 का, मेक अप विद द टू कंटीन्यूअस कैजुअलिटीज, यहां पर द लास्ट होप इज द तीनो, एंड लेट्स सी कि कौन सी पोजीशन तक अपनी टीम को खींच कर ले सकते हैं। आज 6 पोजीशन पे आ चुके हैं, मैं बात करूंगा 7 किल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं इनके, और रॉटन कमिंग अप विद द टू कंटीन्यूअस कैजुअलिटीज, इसके चलते यहां पर 2-0 बचे नजर आएंगे। स्पॉट करेंगे लास्ट लोग को, अच्छा खासा डैमेज यहां पर दे दिया गया, बाय और वीकर एक्सप्लोजन, एंड वहां पर शायद एक एलिमिनेशन जो है वो मेरे को फाइनल टीम में 16 का देखने को मिल रहा है। बहुत प्यारा वो नेट कुक करेंगे, बहुत प्यारा वो नेट होगा, और बहुत आई थिंक ऑन द टारगेट वो फॉर श्योर होगा। मॉली भी यहां पर करी जाएगी, इन फाइनल एलिमिनेशन देखने को मिलेगा टीम में 16 का भी। इन बिटवीन अब बात करूंगा डी टू थ्री एक अच्छी पोजीशन हमको देखने को मिलेगी, फोर मैन ये भी अभी हमको देखने को मिल रहा है। लेट्स सी द मैन एडवांटेज, जी हां, द ओनली टीम इज द डी टू थ्री विद द मैन एडवांटेज बिकॉज ऑफ द फोर लाइव प्लेयर्स। रॉटन इन द सर्कल, आई कैन से रॉटन के पास एक अच्छा पोजीशन मैं बोल सकता हूं यहां पर मिल सकते हैं। कैप्टन को वापस स्पॉट करेंगे, नॉक के लिए यहां पर टेक डाउन कर लेंगे, कैप्टन ऑलरेडी आउट ऑफ द जोन। मैं बात करूंगा 26 सेकंड्स आर गो आर देयर फॉर द जोन स्विंग, यानी कि रिवाइवल जो है वो कप्तान का बन सकता है यहां पर। स्मोक कर ले, दुकान काफी ज्यादा पीछे आने के रिवाइवल को बनाना चाहते हैं, स्मोक वॉल यहां पर क्रिएट करी जाएगी। आरबीईएस इज आउट ऑफ द जोन, मूव इन करना उनके जोन के अंदर, 11 सेकंड्स टू गो फॉर द जोन, जो यहां पर अच्छा खासा डैमेज ऑलरेडी ले चुके बिकॉज व्हीकल इज आउट ऑफ द जोन। मैं दो आरबीएस सेटलर्स की बात करूंगा, भाई डॉट एचवी बंदा बचता हुआ अप्लाई बैंडेज, अरे ब्रो फर्स्टेड आई थिंक लगानी चाहिए यहां पर एट द करेक्ट टाइम, आई कैन से वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा डैमेज दिया। आर बी एस एनी हाउ वॉन्ट टू होल्ड द जोन, लेकिन आप डैमेज एंड एलिमिनेशन इनका भी देखने को मिलेगा। यूवी कार गोइंग फॉर रियल बैटल सिक्स नंबर ऑफ द बैट, फर्स्ट एड उनके पास हमको देखने को मिलेगी। डी टू थ्री का इनका एक बहुत अच्छा एडवांटेज मैं कह सकता हूँ देखने को मिलेगी। एंड बात करूंगा डॉट एच यहाँ पर बचे ट्रैपी और हील कर लो भैया, और फर्स्ट एड भी इसके पास नहीं है, फर्स्ट एड दो यार इस भाई को। यूपी इज गोइंग फॉर द हील बैटल स्टेट, यहाँ पर देखते टॉप फोर में अपनी जगह बना चुके हैं, लेकिन शायद फोर एम एस इज ऑल्सो गोइंग फॉर द हील बैटल। लास्ट फर्स्ट एड आई कैन से यहाँ पर जीव सोपी के पास देखने को मिलेगी। आकाश अक्षत ओपी की तरफ एक बार नजर डालना चाहूंगा, अक्षत ओपी कमिंग अप विद द लास्ट फर्स्ट एड आई कैन सी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फोर एम एस का शायद एक एलिमिनेशन बनता हुआ नजर आ सकता था, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट जीव सोपी फाइनली इन द जोन हमको देखने को मिलेंगे, सॉरी इन द सर्कल हमको देखने को मिलेंगे। रॉटन अल्फा एट द लेफ्ट साइड और टेक्निकल कटर हैकर ओएमजी अक्षर का फाइनल यहाँ पर जो है वो एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट सेट इनके पास एक देखने को मिलेगी, फोर एमएस का बंदा फाइनली हील अप करता नजर आएगा। यूवी के पास लास्ट फर्स्ट है, जिसके चलते यहाँ पर कुछ नॉक्स निकालने की कोशिश करना चाहते थे, नॉक्स शायद वहाँ पर निकाले भी गए। डी टू थ्री का एक नॉक निकालने में सक्सेसफुल, लेकिन जो इजिली रिवाइवल यहाँ पर बनता हुआ नजर आने वाला है। I think D23 is the team going for the chicken dinner in this particular map. I can say the opening map of the grand finals of the summer camp summer cup, जिसके चलते यहाँ पर जो है फर्स्ट चिकन डिनर आई थिंक एंड आई कैन से कि यहाँ पर जो है वो D23 का हो सकता है, लेकिन बहुत प्यारा वो नीड आई कैन से कि वहाँ पर ऑन टारगेट हो सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा ऑफ टारगेट जाता हुआ। एंड यहाँ पर जोन स्विंग जो है वो स्टार्टअप होता हुआ नजर आएगा। रॉटन की टीम आई थिंक सो कि जोन के अंदर हमको देखने को मिल सकती है। अब फोर एम एस का एक और किल जो है वो सिक्योर कर लिया जाएगा। रॉटन की टीम शायद आई थिंक इन द जोन हमको देखने को मिलेगी, जी नहीं आउट ऑफ द जोन ये लोग भी देखने को मिलेंगे। स्मोक वॉल फाइनल यहाँ पर इनसे भी क्रिएट की जाएगी, क्योंकि मूविंग करने को जोन के अंदर। डी टू थ्री की बात करो तो ये लोग जोन के अंदर है, ये लोग अच्छी खासी बीटी प्रोवाइड करेंगे फॉर द अदर टीम्स, यानी कि एक इजी चिकन डिनर आई कैन से कि डी टू थ्री फॉर श्योर यहाँ पर से लेकर जाने वाली है। ग्रेनेड यहाँ पर कुक करे जाएंगे, जियो सोपी की तरफ शायद यहाँ पर नजर है, तो शायद ये नेट कनेक्ट कर सकता है। काफी ज्यादा क्लोज आई कैन से वो नेट वॉज देयर, वो ग्रेनेड वॉज देयर, यहाँ पर रैंडम जो नेट है वो कंटिन्यूअसली स्पैम करे जाएंगे डी टू थ्री की तरफ से। एंड आई थिंक आई कैन से कि डी टू थ्री इज कमिंग अप विद अ इजी विनर चिकन डिनर, एंड आई थिंक आई डोंट नो द नंबर ऑफ द गर्ल्स दे आर गोइंग टू सिक्योर, क्योंकि 7 किल्स अभी इनके देखने को मिलेंगे। रॉटन विद द 2 प्लेयर्स एंड 4 एमएस विद द 1 किल्स आई से आई कैन, एंड फाइनली यहां पर एक क्लोजिंग देखने को मिलेगा डी टू थ्री की तरफ से भी, स्पॉट इनको करा जाएगा, लेकिन वहां पर चोक हो गए। रॉटन शील यहां पर हमको टेक डाउन देखने को मिलेंगे, एंड यहां पर डी टू थ्री कमिंग अप विद द 4 प्लेयर्स मींस यहां पर 1v1v4 का सिनेरियो, इजी चिकन डिनर फॉर द टीम D23। लेट्स गो फॉर द टीम D23, यार इजी चिकन डिनर इनका है आज। यहाँ रॉटन एसएसएन को भी फिनिश ऑफ करते जाएगा, डायरेक्ट किल वो लास्ट प्लेयर बचेगा। जियो सोपी अच्छी पोजीशन को फिलहाल अभी तक होल्ड कर बैठा हुआ है, एंड यहाँ पर कोई भी शॉट्स अभी तक टेक डाउन नहीं कर, फाइनल स्पॉट कर दिया जाएगा, टेक डाउन इनको कर दिया जाएगा। इससे बढ़िया तो भाई एक प्लेयर को स्पॉट करता, नॉक देता, फिनिश देता, किल अपना सिक्योर करता। सो फाइनली D23 कमिंग अप विद द चिकन डिनर एंड विद दैट ऑफ द 9 किल्स के साथ
अब 4MS की बात करूँगा, 4MS कमिंग अप एट द सेकंड पोजीशन विद जीरो नंबर ऑफ द किल्स। रॉटन की टीम आती हुई एट द थर्ड पोजीशन एंड द किल्स आर आउटस्टैंडिंग 15 किल्स। इन बिटवीन RBES की बात करूँगा तो 4 किल्स उनके खाते में हमको देखने को मिलेंगे। अब कप्तान के लाइनअप की बात करूँगा तो 4 किल्स उनके खाते में देखने को मिलेंगे। तो चलिए लेते हैं आपसे एक फटाफट छोटा सा ब्रेक जो कि होने वाला है 5 मिनट ब्रेक, देन वी विल बैक विद द सेकंड मैच ऑफ दिस समर कप सीजन 1। देन back again, square one. Try to leave myself behind, looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save us, so don't try, 'cause this time you crossed the line. I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky on. Get it right, get it right. Get that freaky, freaky on, 챙겨보고다가 get freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky on. Get it right, get it right. 상관하지 마. We'll be right back.
get in for yeah, yeah, I'ma bring the quiz at that freaky freaky on, get that freaky freaky on, get in for yeah, get it right, get it right, get that freaky freaky on, jingle go that got you freaky. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've
Isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that
forget and forget. Yeah, what you gonna do when I come? Everybody know I'm a visual. Yeah, I kill it cold like a criminal. I'm everybody's type, but nobody can deny. Cause you know I get it, not the night when you buy. I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky on. Get it right, get it right. Get that freaky, freaky on, 지금 그거 다 같이. Get it freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky on. Get it right, get it right. 상관하지 마. I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky. I'm getting freaky, get it right, get it right. Get that freaky, freaky on, 지금 그거 다 같이. I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky. I'm getting freaky, get it right, get it right. 상관하지 마. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. So hello guys, welcome back to our YouTube channel. Infinite Gaming is here. The Summer Cup Season 1 Grand Finals. फिलहाल फटाफट से बात करेंगे. जी हाँ, 18 सेकेंड टू गो फॉर द फ्लाई पाथ. देन वी विल डालेंगे एक बार नज़र फ्लाई पाथ की तरफ.
आज यार हर्ष कपूर इस वाली स्क्रीन पर ज्वाइन नहीं हुआ है ब्रो। हर्ष कपूर को बुलाओ यार अगर कोई जानता तो उसे। ही इज द ऑसम वन मैन। तो चलिए फटाफट से हम नज़र डालेंगे एक बार प्लेन पाथ की तरफ जो कि हमारा होने वाला है। स्टार्ट देखते हैं किस तरह से होता है। तो जिसमें फाइनली जो स्टार्ट होगा वो लाख रुपये की साइड से स्टार्ट होगा एंड इम्पाला की साइड जो है फिनिश ऑफ होता है वो नज़र आने वाला है। लेट्स सी कि यहाँ पर जो ड्रॉप लोकेशंस होती हुई नज़र आएंगी वो किन टीम्स की किस किस ड्रॉप लोकेशंस की साइड उनको देखने को मिलेंगी वो पर्टिकुलर टीम्स। लेट्स सी पिछले मैच में जो D23 का एक OP चिकन डिनर आई कैन से वहाँ पर देखने को मिला था तो क्या इस मैच में भी उन्हीं का चिकन डिनर देखने को मिलेगा या फिर कोई और टीम है जो यहाँ पर कमबैक करती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल बात करूँगा तो ये लास्ट मैच है जो कि स्ट्रीम होने वाला है ऑन TRS e-sports के इस चैनल पे। एंड लेट्स सी कि यहाँ पर ये जो लास्ट मैच है लास्ट मैच आई कैन से कि वो कौन सी टीम जो है वो चिकन डिनर में बदलाव करेगी या फिर कौन सी टीम है जो अपनी चाप छोड़कर जाएगी दस लास्ट मैच आई कैन से। ग्लोबल आईडी एजेंट हुआ है एंड भाई जो तो स्क्रीन पर फटाफट से जरा एक आध कमेंट कर दो यार ताकि लगे कि हाँ भाई कोई है हाजिर दोदार फटाफट अपनी अपनी हाजरी 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 जी जो तेरी फटाफट से यहाँ पर लाख कोबरे की साइड मूविंग करते हुए नजर आएगी यानी कि अर्ली जो ड्रॉप लिया गया वो इनके थ्रू लिया गया है यहाँ पर फटाफट से जो है इजी लूट अप करते हुए नजर आने वाली है। लेट्स सी कि यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेन पाथ बनने वाला है सॉरी फर्स्ट जो सर्कल फॉर्म होने वाला है वो किस साइड फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। देन वी विल प्रेडिक्ट द अपकमिंग सर्कल्स दैट गोइंग टू बी फॉर्म। इन बिटवीन अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं पर फर्स्ट क्लासेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल सकते हैं। पिकाडो की साइड जो है यहाँ पर फिलहाल तीन टीम्स मूविंग करती हुई नजर आएंगे यानी कि फर्स्ट क्लासेस होंगे वो उनके बीच में हमको देखने को मिल सकते हैं। ऑन द सेम साइड अगर मैं एल्पोजो की बात करूँ तो स्कल का क्लैश बनता हुआ नजर आ रहा है विद अदर टीम RSQ। जी हाँ यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमिनेशन सॉरी फर्स्ट क्लैश यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। एंड लेट्स सी कि ये फर्स्ट क्लैश का चलते जो एलिमिनेशन होंगे वो किस टीम्स के होंगे किस प्लेयर्स के होंगे क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर एलिमिनेशन तो सक्सेसफुल पक्का होने वाला है लेकिन लेट्स सी कि यहाँ पर कौन सी टीम एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। स्कल्स के पिछले गेम की मैं बात करूँ तो दो प्लेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैच खेला है बट स्कल्स लगे यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दिक्कतें होती भी एक प्लेयर को यहाँ पर टेक डाउन कर लिया गया है उसका एलिमिनेशन फॉर श्योर यहाँ पर सक्सेसफुल होता हुआ नजर आएगा। फिनिश ऑफ तुरंत यहाँ पर दे दिया जाएगा। बाकी के प्लेयर्स को यहाँ पर स्पॉट करना चाहेंगे काकाशी आई थिंक सो कन्फर्म वो किल करना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पर छोड़ देंगे तो दिक्कतें फॉर श्योर हो जाएंगी। जी हाँ ऐसे कि यहाँ पर फिलहाल यूनिक क्लोजिंग करते हुए नजर आ रही है आई कैन से यूनिक इज अ गर्ल एंड जैस स्पॉट करेगा वहाँ पर। जी हाँ बहुत प्यारा मैं कहूँगा इसने पिक ऑफ निकाला है। एंड लेट्स सी कि यहाँ पर जो कवर फाइट की तरफ से देखने को मिला था काकाशी यहाँ पर आते हुए क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगे। काकाशी के मैं यहाँ पर साउंड सुन लिए होंगे यहाँ पर क्या क्लोजिंग देखने को मिलेगा क्या यहाँ पर नॉक देखने को मिलेगा। लेट्स सी यहाँ पर दोनों के वन वन प्लेयर डाउन देखने को मिलेंगे। अब फाइनली यहाँ पर काकाशी के पास एक एम आपको देखने को मिलेगी। बहुत प्यारा यहाँ पर ट्राई करता नॉक निकालने का मैं कह सकता हूँ डॉट है जो यहाँ पर काकाशी को कर दिया था लेकिन एट द लास्ट मोमेंट यहाँ पर स्कल का यूनिक को तुरंत नॉक एंड फिनिश ऑफ दे दिया जाएगा। नजर रहेंगे एक बार काकाशी की तरफ। जी हाँ पर एक और प्लेयर को टेक डाउन कर लिया गया फोनिक्स यहाँ पर दोबारा से निकाल लिया गया नॉक। हाइब्रिड क्या क्लोजिंग कर पाएंगे टाइमली आई कैन से फर्स्ट एलिमिनेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। शायद स्कल्स के दो प्लेयर का फाइनल यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए नजर आ चुके हैं। बाकी के प्लेयर्स क्या यहाँ पर स्कल के क्लोजिंग करेंगे या फिर यहाँ से करेंगे फॉल बैक। ऑन द सेम साइड टीम नंबर 11 अगेन इन द फाइट अगेन से एंड जी हाँ एवल ने एक नॉक निकाला लेकिन ऑन द सेम साइड कवर फायर के चलते एवल को भी टेक डाउन कर दिया जाएगा। उनका एलिमिनेशन यहाँ पर कन्फर्म होता हुआ यानी कि जो खेला वो तुरंत यहाँ पर सिक्योर कर लिया जाएगा। टीम नंबर 7 से फिलहाल यहाँ पर फाइट लेते हुए नजर आएंगे एंड अगेन छोटा सा वो ग्लिच अगेन फॉर्म होता हुआ नजर आएगा अगेन यहाँ पर राइज होता हुआ नजर आएगा अगेन से। अब पिकाडो में चलती हुई ये फाइट काफी ज्यादा ओपी फिलहाल मैं कहूँ कह सकता हूँ फाइट एंड बात करूंगा। टीम नंबर 15 भी ऑन द सेम साइड पिकाडो की साइड ड्रॉप लेती हुई नजर आई थी लेकिन एट द लास्ट मोमेंट दे फॉल बैक। कप्तान को अच्छा खासा डैमेज दे दिया है। कप्तान यहाँ पर फॉल बैक करना चाहते हैं सक्सेसफुल भी हो पाएंगे उस फॉल बैक में फटाफट से यहाँ पर हीलिंग इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हील अप करना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या टीम नंबर 7 इस इन बिटवीन यहाँ पर पुश कर सकती है जी नहीं एक अच्छी सिचुएशन को एक अच्छी पोजीशन को ये लोग भी होल्ड कर बैठे हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर एक पुश इनकी तरफ से देखने को मिलेगा। इन बिटवीन एविल का किल जो है वो सिक्योर सॉरी एविल का किल सिक्योर कर लिया गया था सॉरी यहाँ पर किल फील्ड जो है वो थोड़ा स्लो चलती हुई नजर आएगी। कप्तान को काफी ज्यादा डैमेज मैं कह सकता हूँ कि इनको मिल चुका है। 5 बैंडेजेस इनके सामने हमको देखने को मिल रही है। फटाफट यहाँ पर हील करना चाहिए। D2D ऑन द साइड यहाँ पर टेकिंग द फाइट D2D मूव इन करना चाहूंगा मैं उसकी साइड। इन बिटवीन रॉटन की भी एक फाइट हमको देखने को मिलेगी। शेक इन बिटवीन यहाँ पर जो है वो टेक डाउन कर ले जाएंगे आई थिंक बाय द लक ऑफ द टीम रॉटन। एंड क्या यहाँ पर से रॉटन क्लोज इन बनता हुआ नजर आ सकता है हमको रॉटन शायद यहाँ पर से क्लोज इन करना चाहती है। जी हाँ बैठेंगे फटाफट से यहाँ पर बाइक में एंड आई थिंक सो कि यहाँ पर एक क्लोज इन देखने को मिल सकता है। ऑन द सेम साइड टोकान को टेक डाउन कर ले जाएगा या मनी के टीम नंबर 11 फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत में आई कैन से देखने को मिल सकते हैं। कप्तान फिलहाल यहाँ पर हिलअप करते हुए नजर आएंगे। टोकान को यहाँ पर नॉक डाउन ले लिया है और हजारी हंटर जो है वहाँ पर क्लोजिंग करना चाहेंगे टू वर्ड द टोकान ताकि वो जो रिवाइवल है वो सक्सेसफुल हो पाए। इन बिटवीन अगर मैं नजर डालना चाहूंगा टू वर्ड द टीम नंबर 7 क्या वो क्लोजिंग करेंगे जी नहीं क्लोजिंग इनकी तरफ से हमको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर शायद एक प्लेयर थोड़ा सा क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बाकी टीममेट्स के लूट अप के कारण फिलहाल वो भी क्लोजिंग नहीं कर पाएगा। मीन थोड़ा होल्ड कर वो भी खेलता वहाँ पर अभी नजर आने वाला है। इन बिटवीन TCG के डिमांड आई है तो एक बार मूव इन करेंगे फटाफट से TCG की तरफ। हाँ TCG फिलहाल मूव इन लूट अप करते हुए नजर आएगी वाटर ट्रीटमेंट के नियर बाय कंपाउंड्स की तरफ
वहाँ तो सेम साइड अगर मैं बात करूँ आरबीएस इनके काफी ज्यादा क्लोज में कह सकता हूँ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्लैशेस जो होंगे वो इतनी जल्दी हमको फॉर्म होते हुए नजर नहीं आएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो क्लैश बनता नजर आएगा वो नजर आएगा टीम ऑफ 21 का आउटफिट आउट ऑफ द टीम नंबर 17, जहाँ एक प्लेयर को थोड़ा नॉक एंड फिनिश ऑफ कर जाएगा। जी नहीं, टू प्लेयर को यहाँ पर टेक डाउन कर लिया गया, मींस टीम नंबर 17 कमिंग अप विद टू कंटिन्यूसली कैजुअलिटीज टुगेदर, आई कैन से दो कैजुअलिटीज फिलहाल यहाँ पर जो है वो मिल जाएगी टीम नंबर 17 को। इन बिटवीन यहाँ पर जो फाइट चलती हुई नजर आ रही थी टीम नंबर 11 की, वो अगेन यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ब्रीथिंग स्पेस जो था वो धीरे धीरे कम होता हुआ हमको नजर आ रहा था। इन बिटवीन थोड़ा सा टीम नंबर 17 में भी यहाँ पर होल्ड करना ज्यादा उचित समझा, जिसके कारण वो क्लोजिंग नहीं करे। एंड लेट्स सी यहाँ पर जो फाइट इनिशिएट होती हुई नजर आएगी वो किन के बीच में होने वाली है। सर्कल यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, सर्कल के अंदर एंट्रीज लेनी है काफी ज्यादा टीम्स को। आई कैन से टीम नंबर 2 इज हैव टू गेट द एंट्री इन द सर्कल, टीम नंबर 15 इज गोइंग टू टेक द एंट्री 8 एंड 20। इन सभी टीम्स को फिलहाल यहाँ पर एंट्री लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई कैन से गाइस प्लीज फटाफट से जरा स्ट्रीम को शेयर कर दो, 3 की वॉचिंग आ रही है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं कास्ट कर रहा हूँ इतनी कम वॉचिंग आ रही है, तो प्लीज फटाफट से शेयर कर दो जरा स्ट्रीम को, थोड़े व्यूवर्स बढ़ाओ इन बिटवीन। अब फिलहाल यहाँ पर कप्तान अगेन को शॉर्ट्स टेक डाउन करते हुए नजर आए थे, लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा तो नॉक कोई भी अब इनकी तरफ से नहीं निकलने को देखा। इवन कमिंग अप विद द वन कैजुअलिटी, भाई बात करूंगा तो चार किल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे टीम नंबर 11 के, दो आई नोटिस इट रिसेंटली। एंड बात करूंगा कप्तान की तरफ से 3 किल्स एक बहुत प्यारा साउंड कर रहे हैं, 3 किल्स इंडिविजुअल 3 किल्स, यानी कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा इस बंदे का वो अलग ही होगा। आई थिंक सो कि वहाँ पर 1v3 करा होगा फॉर श्योर, तभी यहाँ पर 3 किल्स हमको देखने को मिलेंगे, यानी कि एक बहुत ही प्यारा सा साउंड यहाँ पर देखने को मिलेगा कप्तान की तरफ से, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का होने वाला है। सो लेट्स सी कि इनकी जो फाइट इनिशिएट होती हुई नजर आएगी विद द टीम नंबर 7 किस तरीके से होती हुई नजर आएगी। ऑन द सेम साइड आरएसक्यू एल्पोजो की साइड यहाँ पर थोड़ा लूट अप करती हुई नजर आएगी, 3 किल्स इनके पॉकेट में भी हमको अर्ली किल्स देखने को मिलेंगे, जो स्कल्स के हमको देखने को मिलते हैं। स्कल्स कमिंग अप विद 3 कंटिन्यूअसली कैजुअलिटीज, एंड स्पार्टन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टीम, एंड लेट्स सी कि किस पोजीशन तक ये प्लेयर जो है वो अपनी टीम को खींच सकता है। नजर रहेंगे एक बार एस वोल्ट की तरफ, एस वोल्ट फिलहाल यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन को होल्ड कर चुके सर्कल के अंदर, इनको भी एंट्री लेनी है। ऑन द सेम साइड अगर मैं बात करूँ हैदराबाद वॉरियर्स की तरफ, तो इनको भी एक एंट्री लेनी है सर्कल के अंदर, लेकिन लेट सी की जो फाइट इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है कब तक इनिशिएट होती हुई नजर आएगी। ऑन द सेम साइड अगर मैं फटाफट से बात करूँ टीम नंबर 12 की तरफ, ई बी एक्स ऑफिशियल की तरफ, इनका जो ब्रीदिंग स्पेस है विदर ऑफ द टीम नंबर 6 काफी ज्यादा क्लोज हमको देखने को मिलेगा। टीम पी बी एक्स ऑफिशियल विद द 4 मैन एंड टीम ई टी आर विद द 3 मैन, यानी कि 3 वी फोकस सिनेरियो फिलहाल टीम ई टी आर के लिए बनता हुआ अगेंस्ट पी बी एक्स ऑफिशियल्स, PBX officials versus यहाँ पर ETR, and let's see who is going to take over this fight. In between अगर मैं बात करूँगा तो फिलहाल वहाँ पर जो थिन लेग बंदे यहाँ पर टेक डाउन कर सकते थे, टेक डाउन कर सकते थे, फाइनली यहाँ पर गन को सेव करा, इसलिए यहाँ पर जो है वो गब्जी को वहीं टेक डाउन कर लेंगे। ओ माय गॉड, क्या ही तो नहीं ना उस बंदे का, कर लेंगे एलिमिनेशन यहाँ पर इनका कंफर्म हो जाएगा, यानी कि एक के लिए यहाँ पर डीटीआर की टीम है जो इजीली यहाँ पर सेक्योर करती हुई नजर आएगी। पीपीएक्स के बाकी के बंदे थोड़ा रोटेशन, आई कैन से कि यहाँ पर एक रोटेशन मारते हुए नजर आ रहे हैं पीबीएक्स के सैम, लेकिन क्या रोटेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। ऑन द सेम साइड अगर मैं नजर डालूं कृषि की तरफ, तो कृषि भी एक ऑन द सेम रोटेशन में कह सकता हूँ मारते हुए नजर आएंगे, मीन्स कहीं ना कहीं शिवा जो है वो थोड़ा सा ध्यान भटकाते हुए नजर आएंगे ईटीआर का। I can say this rotation will going to give a very big surprise for the team number 6, क्योंकि बहुत ही गंदा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि फयास को जो है वो सरप्राइज मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इनके पीछे से वो जो दो प्लेयर्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करेंगे फॉर द टीम ई टी आर, और आई कैन से मेनली फॉर द टीम सॉरी फॉर द ई टी आर फयाज, क्योंकि दे आर गोइंग टू आई थिंक एलिमिनेट अगेंस्ट द टीम पी बी एक्स बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एंड द ओ पी रोटेशन। आई कैन से एक बहुत ही उमदा सा रोटेशन, एक बहुत ही प्यारा सा रोटेशन यहाँ पर पीबीएक्स ऑफिशियल्स के द्वारा हमको देखने को मिला, एंड बहुत ही प्यारा ये रोटेशन जो कि बहुत ही ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर सकता है फॉर द टीम ईटीआर। एंड लेट्स सी कि यहाँ पर जो पीबीएक्स के सेवाएं क्या उनको टेक डाउन कर लिया जाएगा, अगर उनको वहाँ पर एक नॉक देखने को मिलेगा फाइनली यहाँ पर फयाज को इजिली स्पॉट कर लेंगे, एंड नाउ यहाँ पर जो शॉर्ट्स टेक डाउन कर जाएंगे वो बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करेंगे फॉर द फयाज। और फयाज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि यहाँ पर जस्ट ब्रोकन वॉल के सहारे यहाँ पर एक स्नेक बने बैठे हैं, एंड यहाँ पर किसी भी हाल में क्रश स्पॉट कर लेते तो बहुत ज्यादा दिक्कतें फिलहाल यहाँ पर फयाज के लिए, एंड फयाज को एक प्यारा सा मिलेगा सरप्राइज जो कि होने वाला है पी अपार्ट फ्रॉम जो अगर यहाँ पर स्पॉट कर लेगा तो दिक्कत यहाँ पर फॉर श्योर फयाज के लिए होने वाली है। एकेएम को स्विच कर लिया, क्लोजिंग यहाँ पर से शायद कर सकते हैं, यहाँ पर स्कोप इन कराएं, यहाँ पर से फॉर श्योर जो होने वाला है ग्लिच एज यूजुअल होने वाला है। ओएमजी भाई क्या ही ग्लिच है। क्रश यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पर हमको देखने को मिल सकता है, इजिली यहाँ पर से स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक स्पॉट करने में अब तो कर ली ब्रो स्पॉट, ठीक सामने तेरे साफ बना हुआ बंदा, और आई कैन से शायद बैठ चुका है। हाँ ग्लिच ग्लिच नहीं यार, ग्लिच नहीं भाई, आई वांट टू बी दैट नॉक, एंड जी हाँ
एटीएम से यहाँ पर जो है वो फियाज को नॉक एंड स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था फियाज को फिलहाल यहाँ पर जो है वो प्यारा सा ढप्पी मिल चुका है। एंड लेट्स सी यहाँ पर जो शिवा जो अकेले बचन के सामने दो प्लेयर्स हमको देखने को मिलेंगे पीबीएक्स के, बाकी के दो प्लेयर्स एक बहुत प्यार रोटेशन पर हमको देखने को मिले। इसी बीच फोर एमएस की रोटेशन लेती हुई नजर आएगी, शायद कहीं ना कहीं अगर ये रोटेशन कंटिन्यू रखे तो एक क्लैश इनका भी बनता हुआ नजर आ सकता है विद द पीबीएक्स ऑफिशियल्स। एंड लेट्स सी यहाँ पर फिलहाल जो एक फाइट इनिशिएट होती हुई नजर आती थी, काफी देर से फाइट चलती हुई नजर आ रही है हमको। एंड लेकिन यहाँ पर फिलहाल फाइनली एक टेकडाउन निकाला जाएगा सीएस का। एंड देन यहाँ पर जो सिनेरियो क्रिएट होता है वो 3v3 का अगेन जो है वो सिनेरियो क्रिएट कर लिया जाएगा। एंड आरएस की ऑन द अदर साइड रॉटर की टीम जो है वो फाइट लेती हुई नजर आएगी विद टीम आरएस की। यहाँ पर स्कोर एक और प्लेयर को आरएस के प्लेयर को टेक डाउन करेगी ऑन द सेम टाइम। इन बिटवीन अगर मैं बात करूँ कप्तान ने एक और यहाँ पर नॉक निकाल लिया एज यूजुअल, तो कप्तान में बोल रहा हूँ बहुत प्यारा साउंड करते हुए नजर आ रहा है। किल्स एक्सप्लोर कर लिया जाएंगे कमिंग अप विद द फोर किल्स, कप्तान इज साउंडिंग ओपी, आई कैन से ओपी परफॉर्मेंस इज कमिंग आउट फ्रॉम द इंडिविजुअल प्लेयर दैट इज अ कप्तान। एंड भाई क्या ही गेम प्ले दिखा रहा है फिलहाल। मैं बात करूँ चार किल्स अपनी टीम के लिए होल्ड कर चुका है अकेला बंदा है विद दैट ऑफ द फोर किल्स। एंड आई कैन से फाइव किल्स यहाँ पर टीम के देखने को मिलेंगे। इन बिटवीन अगर मैं टीम के नजर डालूंगा टीम सेवन की तरफ तो एक किल्स इनका देखने को मिलेगा। सेम साइड डी टू डी जो है वो अगेन एक फाइट में इनिशिएट होती हुई नजर आएगी। एंड एक किल वहाँ पर शायद सिक्योर कर लेगी आई थिंक सो। यहाँ पर बढ़ूंगा डी टू डी की तरफ, जी हाँ डी टू डी का ये लाइन है पारस क्यू का। कैन से यहाँ पर एक नॉक इनका भी देखने को मिला था लेकिन फॉर श्योर यहाँ पर एक और नॉक वहाँ पर टीम फाइव का निकाला गया। किल वो सिक्योर नहीं हुआ लेकिन आई थिंक सो कि वो किल सिक्योर होता हुआ नजर आने वाला है क्योंकि रश गॉट काफी ज्यादा लो हमको देखने को मिलेंगे। एंड आई थिंक डॉट एसपी बंदा देखने को मिलेगा, एलिमिनेशन इसका फॉर श्योर पक्का, यानी कि जो किला वो सिक्योर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहाँ पर रिवाइवल देने के चक्कर में रॉटन चिप को टेक डाउन कर लिया गया, यानी कि रॉटन की टीम फिलहाल इस मैच में यहाँ पर दिक्कतों में देखने को मिल रही है। दिक्कतों का सामना फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर रॉटन के लाइनअप को देखने को मिलेगी। एंड लेट्स सी कि यहाँ पर बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से क्लोजिंग कर पाएंगे। यार जी हाँ बहुत पहले वो स्मोक वॉल आई कैन से क्रिएट करेगी जिसके चलते यहाँ पर किसी लिए रिवाइवल दिया जाएगा। लेकिन ये मॉली कनेक्ट कर जाएगी असासिन का, शायद ये ओपी डिसीजन आई कैन से कि यहाँ पर जो है ये बहुत प्यारा क्लोजिंग, लेकिन एक रैंडम इस पर चलते इनको भी टेक डाउन कर लिया जाएगा। फिलहाल रॉटन की टीम काफी ज्यादा मुसीबत में आई कैन से कि यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं बोलूंगा रॉटन का ये बावली बंदा फिलहाल यहाँ पर एक अच्छी दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। लेट्स सी वन वी फोकस सिनेरियो इनके साथ यहाँ पर इसको अगर नॉक निकाल लेता तो फॉर श्योर जो खेलता वो भी सिक्योर होता हमें नजर आता। एंड रॉटन एलिमिनेट होती विद आउट ऑफ द वन किल्स, एंड आई कैन सी शायद रॉटन जो है वो एलिमिनेट हुई विद आउट ऑफ द जीरो किल्स। रॉटन सॉरी वन किल्स ज्यादा पर एलिमिनेट हुई है एज यूजुअल, दो किल्स वहाँ पर उनके खाते में हमको देखने को मिल सकते थे अगर उस प्लेयर का वहाँ पर नॉक देखने को मिलता। लेकिन फिलहाल वहाँ पर मैं कहूँगा बहुत प्यारा अच्छा गेम वहाँ पर देखने को मिला फ्रॉम दैट ऑफ द पर्टिकुलर टीम नंबर 213 जो कि डी टू डी का लाइनअप था। डी टू थ्री पिछले मैच में ले गई थी चिकन डिनर एक अच्छी पोजीशन को वो फिलहाल होल्ड कर रखे सर्कल की, उनको कोई टेंशन नहीं कौन सर्कल कहीं ना कहीं उनकी तरफ फॉर्म होता हुआ नजर आ सकता है। नॉट श्योर बट कहीं ना कहीं नजर आ सकता है क्योंकि एक अच्छी पोजीशन पर एंड टू एंड जोन खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऑन द सेम साइड टीम नाइन अगेन इन द फाइट अगेंस्ट कमिंग अप विद अनफॉर्चुनेटली वन कैजुअलिटी डी टू थ्री डेल प्रीत दिखा भाई स्लॉट 14 भाई जहाँ फाइट चलेगी मैं फिलहाल वहाँ एक्सपेक्टेड करना चाहूंगा आई थिंक सो। तो हर जॉट को टेक डाउन कर लिया जाएगा, बाकी के प्लेयर्स यहाँ पर जो है वो कवर फायर देना चाहेंगे लेकिन इन बिटवीन शायद जी हाँ फायर जो है फटाफट से गिलअप करना चाहेंगे और नजर रहेंगी वन शॉट की तरफ। और आई कैन से आई शॉट आई डोंट नो क्लियर नहीं हो रहा है आई शॉट यहाँ पर फटाफट क्लोजिंग करना चाहेंगे क्योंकि रिवाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई कैन से यहाँ पर होने वाला है। जी हाँ रिवाइवल का जो सिनेरियो है फाइनली यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर लिया जाएगा। ऑन द सेम साइड अगर मैं बात करूँगा डी टू थ्री तो डी टू थ्री फिलहाल बहुत ज़्यादा सेफ पोजीशन पर खेलती हुई नजर आने वाले दिल पर यहाँ पर आपके ठीक सामने हमको देखने को मिल सकता है उन्हीं को पर्टिकुलर उसी प्लेयर को एक्सपेक्टेड करा भाई मैंने तेरे लिए बात। तो फिलहाल जो है एक इजीली जो है यहाँ पर लूटअप करते हुए नजर आ रहे हैं, रोटेशन जो है वो इजीली यहाँ पर टेक डाउन कर सकते थे। जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जो अगला जोन होगा वो कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज जोन फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। सो एज यूजुअल जो जोन फॉर्म हुआ है वो एक सेंट्रलाइज जोन फॉर्म हुआ है। एंड टीम नंबर 11 की बात करो तो काफी देर से लोग फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक क्लियर एंड किल्स की बात करो ओपी किल्स डी टू थ्री दिलप्रीत हैज आई डी लेवल लेस देन 20 देन व्हाई यू डिडंट किक हिम राहुल दियोपा आई डोंट नो अबाउट दिस आई एम जस्ट अ कास्टर एंड दिस इज द टीआरएस ई-स्पोर्ट्स चैनल नॉट द ऑर्गेनाइजेशन चैनल सो प्लीज गो एंड टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स विद दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनर और द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम्स। अब फिलहाल बात करूंगा सारी टीम्स यहाँ पर जो है वो एक रोटेशन लेती हुई नजर आएंगी। भाई दिलप्रीत हैकर नहीं होगा आई कन्फर्म दैट हैकर नहीं होगा, पिछले मैच में मैंने इनका गेम प्ले देखा था तो आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ ऐसा सस्पिशियस नहीं देखने को मिला था। सो आई डोंट थिंक सो कि डी टू थ्री इज अ हैकर और यू कैन से वट एवर यू वॉन्ट टू से। इन बिटवीन पीबीएक्स कमिंग अप विद द थ्री कंटिन्यूअसली कैजुअलिटीज एंड आई कैन से द सैम इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फ्रॉम द टीम पीबीएक्स। जिस तरीके से इनके रोटेशन देखने को मिले थे उसके चलते यहाँ पर ईटीआर के एक प्लेयर को बहुत प्यारी वहाँ पर बीटी प्रोवाइड करी थी जिसके चलते एक किल अपने खाते में वहाँ पर सिक्योर करा था आई थिंक सो क्रशी ने। लेकिन नाउ जो दो प्लेयर्स कमिंग अप विद द कैजुअलिटीज मोर आई कैन से गब्जी को बहुत जल्दी अर्ली एलिमिनेशन होगा देखने को मिला था। उसके बाद तीन प्लेयर्स यहाँ पर हमको देखने को मिले थे पीबीएक्स ऑफिशियल्स के, लेकिन उसके बाद मैं कहूँ तो ईटीआर की तरफ से एक अच्छा गेम प्ले देखने को मिला जिसके चलते दो किल्स को और कन्फर्म करा गया टीम सिक्स के द्वारा। जी हाँ टीम सिक्स कमिंग अप विद विद आउट ऑफ द थ्री किल्स एंड लेट्स सी पीबीएक्स के साथ फिलहाल यहाँ पर अगेंस्ट 2v1 का सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है।
एंड या कप्तान साउंडिंग वेरी गुड, 5 किल्स इन देयर पॉकेट एंड टीम में बस 7 फिलहाल। यहाँ पर अगेन दिक्कत में फर्स्ट टीम नजर आ सकती है। जी हाँ, लास्ट प्लेस स्टैंडिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टीम एंड आई थिंक कैन यहाँ पर एक पुश देखने को मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पर से एक पुश देखने को मिल सकता है एंड टीम नंबर 7 यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी एट 18th पोजीशन विद दैट 1 किल। एंड फिलहाल यहाँ पर जो हंटर का रिवाइवल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कान की बात करूँगा, एक किल इसके खाते में देखने को मिलेंगे। कप्तान इज द प्लेयर हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ द किल्स फ्रॉम दिस टीम, मीन्स 5 किल्स अकेले बंदे के, यानी कि एक अलग ही लेवल का जो डोमिनेशन है, एक अलग ही लेवल का जो गेम प्ले है वो कप्तान की तरफ से देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, एक बार नजर रहेंगे TCG की तरफ भी। TCG काफी ज्यादा सेफ गेम प्ले निकालती हुई नजर आ रही है इस पर्टिकुलर मैच में। इट्स नॉट अबाउट द हैक अप्रोच, इट्स अबाउट रूल्स। इफ यू मेड रूल्स दैट आईडी लेवल लेस देन 20 विल बी किक्ड, देन यू हैव टू इंप्लीमेंट। या ब्रो, आई एम विद यू एंड आई विल एग्री विद यू, बट ब्रो आई एम नॉट द रूम मेकर। आई कैन से जो रूम मेकर था वो किक कर सकता था, एंड आई थिंक यू शुड टॉक टू देम अबाउट ऑल दीज स्टफ्स। सॉरी स्टफ्स नहीं, मैं इन सब के बारे में आपको उनसे बात करनी चाहिए। एंड बिटवीन RSQ अगेन इन द फाइट, आई कैन सी एंड 8 किल्स। भाई क्या ही अच्छे 8 किल्स इनके खाते में हमको देखने को मिलेंगे, यानी कि RSQ इज साउंडिंग वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर मैच एंड उम्मीद है इनसे अब यहाँ पर से बढ़ सकते हैं। थोड़ी 2 की बात करूंगा तो जी हाँ, 2 कमिंग अप विद 1 कैजुअलिटी जिसको यहाँ पर पैन के थ्रू यहाँ पर फिनिश ऑफ कर दिया गया। एंड राहुल डिओपा, भाई मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना चाहिए, एंड उसके चलते यहाँ पर जो लेवल 20 के बिलो की आईडीज है उनको प्रॉपरली किक करना चाहिए। सो आप बिल्कुल बात करिए ऑर्गेनाइजेशन से, शायद उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और दे हैव और आई थिंक उन्होंने वो चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, नहीं तो कोच और वो भी किक कर देते। एंड यहाँ पर D2D कमिंग अप विद टू कंटीन्यूअसली नॉक, दिक्कत यहाँ पर D2D क्लियर होती हुई नजर आएंगी। RSQ फिलहाल यहाँ पर 2 नॉक्स इनके देखने को मिलेंगे, 1 नॉक वहाँ पर टीम 2 का देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर मैं बात करूँ, जी हाँ, 1v2 का सिनेरियो यहाँ पर बन चुका है टीम नंबर 2 के लिए। दिक्कत यहाँ पर टीम नंबर 2 के लिए कैंसे यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। किसी भी तरह एक रिवाइवल जो है यहाँ पर से इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक पीछे एक और प्लेयर इनके देखने को मिलेगा एंड रॉकलेस यहाँ पर अगर नॉक कर दिया गया तो दिक्कत यहाँ पर रॉकलेस के लिए जाएंगे, क्योंकि एलिमिनेशन आई थिंक से यहाँ पर जो किल कन्फर्म होगा वो फॉर श्योर यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पीठ दिखाकर भागे जो कि यहाँ पर गलती कर बैठे एस वोल्ट के चिंग्स, एंड जिसके चलते यहाँ पर टीम नंबर 2 का एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। एंड RSQ रॉकली जो है वो अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देते हुए नजर आएंगे कप्तान को, क्योंकि दिस प्लेयर इज हैविंग द 5 नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड कप्तान इज ऑल्सो हैविंग द 5 नंबर ऑफ द गर्ल्स। लेकिन टीम किल्स की बात करूंगा तो RSQ इज थोड़ी सी आगे है वहाँ पर कप्तान से, यानी कि RSQ की जो टीम है वो एक अच्छा साउंड करती हुई नजर आ रही है इस पर्टिकुलर मैच में। मीरा मार के मैप में, दिलप्रीत ने मारा क्या तुझे, किंग वाइपर गेमिंग वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। इन बिटवीन एक और सर्कल फॉर्म होता हुआ नजर आएगा बहुत जल्दी, कहीं ना कहीं ये जो सर्कल है वो फॉर श्योरली गोइंग टू टेक अ हार्ड शिफ्ट। कप्तान के टीम इज स्टिल आउट ऑफ द जोन, गोइंग टू टेक अ रोटेशन एंड गोइंग टू गेट अ एंट्री इन द सर्कल एज वेल। रोटेशन काफी ज्यादा लेट आई कैन से बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर फाइट। इन बिटवीन अगर मैं बात करना चाहूंगा टीम 15 की तरफ तो 0 किल्स का, ये लोग एक अच्छा गेम प्ले अभी तक कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं। इसका स्मार्टिंग की तरफ एक बार नजर डालना चाहूंगा तो सोलो मैन ये बचा हुआ एंड हार्ड शिफ्ट फॉर श्योर जोन लेने वाला है। नो ब्रो, आई टोल्ड हिम बिफोर द मैच, आई रेज ऑब्जेक्शन बिफोर मैच, बट ही सेड दैट यू शुड हैव टू गिव द प्रूफ। आई डोंट नो व्हाट प्रूफ शुड आई गिव ब्रो। द प्रूफ इज कि आपको उस प्लेयर का, पर्टिकुलर उस प्लेयर का स्क्रीनशॉट लेना था उसके लेवल का, एंड अगर आप उसके लेवल का स्क्रीनशॉट लेकर उनको भेज देते तो ही विल श्योरली किक दैट प्लेयर। मीन्स प्रोफाइल जैसे आपने जिस प्रोफाइल को जैसे चेक करा था ना कि उसकी लेवल 20 की आईडी है, तो आपको उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर उनको भेजना चाहिए था, तो वो एक प्रूफ होता जिसके चलते द रूम मेकर विल किक हिम। बट कोई दिक्कत नहीं, चलिए जो भी है आई थिंक, और भाई आई डोंट नो बट कितने मैचेस जिसके कहना है नो भेजा था स्क्रीनशॉट। OMG भाई, सो द रूम मेकर विल नो, आई डोंट नो। एंड एज आई एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर जो एक हार्ड शिफ्ट रहता हुआ नजर आएगा, तो ये जो जोन फॉर्म हुआ है वो एक हार्ड शिफ्ट के साथ एक सेंट्रलाइज जोन फॉर्म हुआ है। हार्ड शिफ्ट का मतलब कि जो जोन बचा, जो जोन बना है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा जोन बना, सर्कल जो बना है वो बहुत ज़्यादा छोटा सर्कल बना है। एंड बात कहूँगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टीम्स हुए हैं आउट ऑफ द सर्कल्स हमको देखने को मिलेगी। मीन्स रोटेशन होंगे वो बहुत ज़्यादा रोटेशन यहाँ पर टेकडाउन होते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते यहाँ पर जो फाइट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ द फाइट्स इनिशियल होते हुए नजर आएंगे। ही हैज़ लेवल 9 आईडी, ही रिकॉर्डेड हिम गेम प्ले, सो डोंट टेक टेंशन। किंग वाइपर गेमिंग, ओके राहुल डोपा, डीओपा सॉरी, इन बिटवीन अगर मैं किसी पर्टिकुलर फाइट की तरफ एक्सपेक्टेड करना चाहूँ तो फिलहाल कोई भी फाइट अपन इनिशिएट होती हुई नजर नहीं आएगी। PBXM की तरफ मूव इन करना चाहूँगा, पिछले मैच में कुछ अच्छा साउंड करते हुए नजर आते, कुछ नंबर ऑफ द किल्स में बात करूँगा तो अच्छे खासे नंबर ऑफ द किल्स इन्होंने सिक्योर करे थे। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर मैच दे आर गोइंग डाउन आई कैन से, मीन्स 3 अर्ली कैजुअलिटीज जिसके चलते यहाँ पर जो एक होल्ड करके खेलते हुए नजर आ रहे हैं, कैंप पोजिशन में खेलते हुए नजर आ रहे। लेकिन ये रोटेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है फॉर एम, लेकिन 4MS अगेन इन द फाइट आई कैन से, एंड यहाँ पर एक एलिमिनेशन दे दिया जाएगा 4MS के द्वारा। दो प्लेयर्स को 4v2 का वो सीनेरियो था जिसको इजिली टेक ओवर कर लिया 4MS ने।
एंड दो किल्स एंड दे विल गोइंग टू टेक द टू किल्स इन दियर पॉकेट एंड बिटवीन मैक आई कैन से कि वहाँ पर ऑप्टिमस का भी जो एक फाइट इनिशिएट होता है नजर आएगा ऑलरेडी वन प्लेयर विद दैट ऑफ द वन कैजुअलिटी एंड आई कैन से स्पाइडर को भी यहाँ पर टेक डाउन कर लिया गया जिसका फिल जिसका किल फॉर श्योर यहाँ पर जो है वो सिक्योर होता हुआ नजर आएगा जी हाँ यहाँ पर सिक्योर कर लिया जाएगा उसके किल को भी PLMX के द्वारा यहाँ पर MR चौधरी को जो है अब वो टेक डाउन कर लिया जाएगा इन बिटवीन अगर मैं बात करूँगा फिलहाल टीम में 15 की तरफ तो सेंटर ऑफ द जोन ही हमको देखने को मिलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल ये लोग हमको देखने को मिलेंगे यानी कि कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है इनसे यहाँ पर लगाकर बैठ सकता हूँ इन बिटवीन टीम में 16 जो एक रोटेशन टेक डाउन करती थी उनके सामने एक क्लैश बनता नजर आता था लेकिन PBX हम अकेले बन देते तो वहाँ पर कुछ भी शॉट्स उनकी तरफ से टेक डाउन नहीं करे जाएंगे लेकिन टीम नंबर 20 इनसे यहाँ पर कुछ शॉट्स टेक डाउन कर सकते हैं 4MS का लाइनअप जो है वो कहीं ना कहीं शॉट जो है वो टेक डाउन कर सकते हैं ऑन द सेम साइड TCG कमिंग अप विद द टू कंटीन्यूअस लॉक्स जो कि दिक्कत क्रिएट करेगा फॉर द टीम TCG एंड जी हाँ TCG कमिंग अप विद द टू प्लेयर्स ओनली अलाइव टू प्लेयर्स एंड इन बिटवीन यहाँ पर जो है मारूफे का किल जो है वो सिक्योर कर लिया जाएगा यहाँ पर फिलहाल रिवाइवल के जाते हुए नजर आएंगे क्या D2D इन बिटवीन यहाँ पर एक पोजीशन मैं कहूँगा आई कैन से क्लोज इन कर सकती है ओके वी इज रिकॉर्डिंग देन नो प्रॉब्लम बट ही शुड कस्टम विद 20+ ID बिकॉज टूर्नामेंट रूल्स आर वेरी क्लियर एंड ऑल अदर टीम्स आर इंप्लीमेंटिंग या ब्रो आई एम विद यू बट या अगर वो रिकॉर्ड कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है मे बी बिकॉज ऑफ द क्लाइंट टैग राहुल जियो का मे बी बिकॉज ऑफ द क्लाइंट टैग उसने एक न्यू ID बनाई होगी कोरियन वर्जन में फिलहाल यहाँ पर बात करूँगा जी हाँ व्हीकल को फोड़ा नहीं गया लेकिन हाइड्रो को टेक डाउन कर लिया जाएगा लेकिन हाइड्रो का जो किला वो ऑब्वियसली बात है सिक्योर अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि D2D कमिंग अप विद द टू कंटेस्टेड लॉक जिसके चलते यहाँ पर जो है रिवाइवल को फर्स्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आज यहाँ जिकल कॉर्ड जैसे तैसे क्लोजिंग करना चाहते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर रिवाइवल एंड आई कैन से PB के बंदे से आउट ऑफ द जोन हमको देखने को मिलेंगे 4MS को जैसे जैसे सर्कल के अंदर इजीली यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एंट्री मिलती हुई नजर आएगी एक और जो सर्कल है वो जल्दी से यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आएगा क्योंकि यहाँ पर जो जोन श्रिंक है वो स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर जो एक फाइट इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है आई थिंक 4MS के बीच में हो सकती है एंड विदाउट ऑफ द जी में 16 एंड लेट्स सी यहाँ पर जो जोन श्रिंक होगा ये जोन किस तरह का जोन जो है वो सर्कल फॉर्म करता हुआ नजर आएगा ये सर्कल शायद कहीं ना कहीं और मैं कहूँ तो ये पक्का हार्डशिप लेता हुआ नजर आएगा एंड न्यू आइडिया विद द क्लाइंट टैग या दैट्स वाई मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ भाई कि बिकॉज ऑफ द क्लाइंट टैग मे बी ही हैज मेकन द न्यू आईडी D23 इज प्लेइंग फिलहाल विदाउट ऑफ द वन किल्स कंटिन्यू करते हुए नजर आएगी अच्छे खासे पोजीशन पर आई कैन से कि इन्होंने होल्ड कर रखा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये पोजीशन इनके लिए क्योंकि मैं कहूँ ना कहीं तो एक बार कोई ये जोन के अंदर जा सकता है एंड हाइट एडवांटेज इज OP तो कहीं ना कहीं यहाँ पर द नंबर ऑफ द किल्स ही कैन ऑल्सो सिक्योर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन एंड डिल्पिस इज ट्राइंग टू कंटिन्यूसली स्पॉट द प्लेस ऑफ द रोटेशन फ्रॉम हाँ यहाँ पर क्या कुछ साउंड्स क्रिएट होंगे जी हाँ यहाँ पर कुछ शॉट्स क्रिएट होंगे लेकिन कनेक्ट फॉर श्योर नहीं होने वाले मूव इन करेंगे बट टीम 15 की तरफ जी हाँ यहाँ पर एक अच्छा साउंड करती हुई नजर आएगी RSKO की टीम की तरफ रहूंगा नजरें दोबारा जो कि एक अच्छा साउंड करती हुई नजर आ रही है जी हाँ D2D जिगल गॉड फिलहाल यहाँ पर नॉक हो गए थे RSKO कमिंग अप विद टू कंटेस्टेड लॉक्स जहाँ पर एक बार को लगा था कि यहाँ पर दिक्कतें क्रिएट हो सकती है इनके लिए लेकिन आई कैन से कि बहुत प्यारा कमबैक करा 12 किल्स के बाद बहुत प्यारा गेम पर अभी तक कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं एंड आई थिंक कि ग्रॉकली जो है वो एक अच्छा साउंड करते हुए नजर आएंगे मूविंग करूंगा टीम 11 की तरफ तो ये लोग भी एक अच्छा साउंड करते हुए नजर आ रहे हैं कप्तान की बात करूंगा तो 5 किल्स उस बंदे के अकेले को देखने को मिलेंगे यानी कि कप्तान इज परफॉर्मिंग ऑन द नेक्स्ट लेवल आई कैन से जैसे कि मैंने कहा था एक हार्डशिप लेता हुआ नजर आएगा जोन एंड कहीं जो था वो D23 के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा सो सर तो वही चीज़ हुई एंड D23 के फेवर में ये जोन जाता हुआ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा D23 को फॉर कलेक्टिंग द नंबर ऑफ द गर्ल्स एज वेल एंड द पोजिशन एज वेल एज क्योंकि सेंटर ऑफ द जोन लोग देखने को मिलेंगे कोई भी एकदम पुश कर नहीं सकता बिकॉज ऑफ द हाइट एडवांटेज हैविंग द D23 इन बिटवीन यहाँ पर TCG के फाइट जो अगेन इनिशिएट होती नजर आएगी टीम RSKO कमिंग अप विद वन नॉक एंड आई कैन से वो किल शायद फिलहाल को जो है वो कन्फर्म नहीं करा जाएगा हाँ हाँ यहाँ पर टीम 15 से फाइट लेते हुए नजर आएंगे टीम 15 से भी यहाँ पर फाइट लेते हुए नजर आ सकते हैं D2D जिगल वन यहाँ पर थोड़ा क्लोज इन कर चुके हैं RSKO के बंदे भी यहाँ पर क्लोज आ चुके हैं आप फिलहाल बात करेंगे तो यहाँ पर लास्ट अकेला प्लेयर यहाँ पर फिलहाल एल्फन ओप देखने को मिलेगा RSKO के केविन को टेक डाउन कर लिया जाएगा RSKO फिलहाल एट द लास्ट यहाँ पर थोड़ी सी मुसीबत में हमको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर कहीं ना एलिमिनेशन जो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है केविन का क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा ब्लीड हो चुका है लेकिन इनके सामने एक प्लेयर को देखने को मिलेगा लेकिन रिवाइवल जो है वो कहीं ना कहीं इजिली सक्सेसफुल हो सकता है इन बिटवीन ट्रॉट गेमल को टेक डाउन कर लिया जाएगा भाई बहुत ही प्यारा गेम प्ले यहाँ पर दिखाया जा रहा है 4MS के द्वारा से एंड 4MS कमिंग अप विद द टू किल्स जियोस ओपी इज परफॉर्मिंग अ वेरी वेल विदाउट ऑफ द स्नाइपर आई कैन से विदाउट ऑफ द आर्म एंड भाई अभी 3 किल्स इसके खाते में देखने को मिल रहे थे क्या ही वो ग्लिच था अपार्ट फ्रॉम दैट इफ एंड फिलहाल मैं बात करूंगा तो जी हाँ हाइडल की टीम यहाँ पर दिक्कतों में आ चुकी है कमिंग अप विद द टू कंटीन्यूअस कैजुअलिटीज एंड द वन नॉक्स फिलहाल यहाँ पर रिवाइवल के लिए जाना चाहेंगे रैम्पेज एंड रिवाइवल एट दिस टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस क्रूशियल मोमेंट आई कैन से इन बिटवीन RSKO इज परफॉर्मिंग एट द नेक्स्ट लेवल आई कैन से विद 14 किल्स आर गोइंग टू कंटिन्यू द गेम प्ले रॉकली की बात करूँ तो 6 किल्स इस बंदे के खाते में आ चुके हैं यानी कि रॉकली इज द भाई क्या ही गेम प्ले यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है रॉकली एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहा है एक बहुत ही प्यारा साउंड करते हुए नजर आ रहे हैं
और रॉकली जो है वो एक अकेला प्लेयर है फिलहाल अभी तक जिससे हाईएस्ट नंबर ऑफ द किल्स वैकेंसी देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर मैच में। टीम 13 की बात करूंगा तो वो अकेली टीम है जिसके इतने ज्यादा नंबर ऑफ किल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर चार चेक डाउन कर सकते हैं, ओ माय गॉड, और वहाँ पर काफी ज्यादा लोग कर जाते हैं। इन बिटवीन पर टीम ने 16 फिनिश ऑफ होती नजर आएगी, यानी कि टीम 16 का यहाँ पर एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। ऑन द सेम साइड अगर मैं बात करूंगा तो HYD हंटर्स की तरफ से तो ये लोग एक रोटेशन लेते हुए नजर आएंगे, एक किल्स इनके खाते में देखने को मिलेंगे। एंड लेट्स सी, बहुत प्यारे रोटेशन से लोग टेक डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑन द सेम साइड टीम नंबर 11 जो है वो एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी, किल्स की तरफ उनके रहेगी एक बार नजर। तो जी हाँ, 8 किल्स के साथ एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। कप्तान, दो कप्तान जो थे वो एक बहुत अच्छा साउंड करते हुए नजर आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी फिलहाल जो है वो टीम नंबर 11 का एलिमिनेशन हमको इस बीच देखने को मिलेगा। एंड RSQ कहीं ना कहीं चिकन के क्लोज जा सकते हैं, लेकिन D23 के पास जो पेपर है जो उनका वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज दिखा जाएगा। एंड फिलहाल यहाँ पर 2 किल्स और सिक्योर कर लिए जाएंगे। बाय दैट ऑफ द टीम नंबर 15 OP गेम प्ले, आई कैन से RSQ कमिंग अप विद 3 कंटिन्यूसली कैजुअल्टीज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रोटेशन, एंड जो कि यहाँ पर जो किल्स से वो सिक्योर कर लिए गए हैं टीम 15 के द्वारा। एक और रोटेशन, सॉरी, यहाँ पर एक और सर्कल फॉर्म होता है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद केविन के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रोटेशन इनके पीछे आ चुका है, दिक्कत यहाँ पर इनके लिए क्रिएट हो सकती है अगर यहाँ पर आप ही सर्व स्पॉट कर लेंगे उनको, इस कल के स्पॉट यहाँ पर स्पॉट कर जाएगा, उनको डैमेज दिया जाएगा, जिसके चलते जो है केविन जो है वो एक वो हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, वो पोजीशन रिवील कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पी सर के बंदे। फिलहाल यहाँ पर स्मोक वॉल क्रिएट करी जाएगी फॉर द, वहीं कहीं ना कहीं बात करूंगा टीम नंबर 15 की तरफ, तो ये लोग एक अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 किल्स, OMG, 3 किल्स यहाँ पर किसी और के खाते में जाते हुए नजर आए। दैट मीन हाँ, बात करूंगा यहाँ पर HYD की टीम एक अच्छा खासा दिक्कत क्रिएट करती हुई नजर आएगी। RSQ के अभी एक अच्छी पोजीशन को वो करते हुए नजर आए, टीम नंबर 21 कहीं ना कहीं उसकी तरफ पुश ऑफ करती हुई नजर आ सकती है। रैंडम ग्रेनेड्स इनके ऊपर आते हुए नजर आ रहे, जिससे चलते यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज हमको देखने को मिला था मनीष के ऊपर। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्लोजिंग है दिक्कत क्रिएट करेगा फॉर द टीम RSQ। एंड फाइनली RSQ के यहाँ पर एक एलिमिनेशन बनता हुआ नजर आ सकता है, स्पॉट करेंगे यहाँ पर क्लोजिंग कर चुके हैं 12-40। एंड यहाँ पर जो किला फॉर चार्ली सिक्योर होता हुआ नजर आएगा, केविन कमिंग अप विद दैट द वन मोर किल, आई कैन से 15 किल्स द टीम के यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं बहुत प्यारी टीम साउंड करती हुई नजर आ रही है। एट द लास्ट प्लेयर ये भी एक किल सिक्योर कर चुका है अपनी टीम के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ग्रेनेड आ सकता है, एक मॉली अगेंस यहाँ पर इनकी तरफ कनेक्ट होती हुई नजर आ सकती है। आज यहाँ थोड़े बार आइटम्स का यूज करा जाएगा, लेकिन एट द करेक्ट टाइम से ट्राई टू फॉल बैक, बट कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पर। अगर निकलते तो 3 प्लेयर्स यहाँ पर स्पेस टेक डाउन होते, तो जिसके चलते मैं फिलहाल यहाँ पर मैं बोलूंगा तो टीम नंबर टीम RSQ गेटिंग एलिमिनेशन एट द 11th पोजीशन विद 15 किल्स आउट ऑफ 7 परफॉर्मेंस, आई कैन से वहाँ पर देखने को मिला उनकी तरफ से। इन बिटवीन हाइड्रो के ऊपर अगेन यहाँ पर कुछ स्पेस टेक डाउन कर जाएंगे, 2 किल्स यहाँ पर D23 की टीम अपने खाते में करेगी सिक्योर। हैं नहीं, इनके किल्स में नहीं आया, शायद TCG ले गई है वो कल। OMG क्या ही गेम प्ले यहाँ पर चल रहा हुआ नजर आ रहा है, TCG कमिंग अप विद आउट ऑफ द 4 किल्स। एंड OP गेम प्ले की तरफ से इस बार भी देखने को मिल रहा है, मैं कह सकता हूँ एक कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस आई कैन से कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है TCG की तरफ से। पिछले मैच में भी कुछ अच्छा ही गेम प्ले उनकी तरफ से देखने को मिला था। ऑन द सेम साइड अगर मैं बात करूँ PBXN की तरफ, तो क्या ही पोजीशन होल्ड कर एंड टू एंड जोन खेलकर अपनी टीम के लिए पोजीशन लाने की कोशिश कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं उस चीज में काफी हद तक सक्सेसफुल भी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये रोटेशन दिक्कत क्रिएट कर देगा, ये रोटेशन पर फॉर श्योर दिक्कत क्रिएट करेगा। स्प्रेज यहाँ पर टेक डाउन कर जाएंगे फ्रॉम दैट ऑफ द टीम नंबर 20। एंड लेट्स सी कि यहाँ पर क्या एलिमिनेशन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पर एलिमिनेशन देखने को नहीं मिल सकता। ऑन द सेम साइड HYD के बॉबी यहाँ पर कमिंग अप विद दैट ऑफ द नॉक, जो कि दिक्कत यहाँ पर क्रिएट करेगा फॉर द टीम HYD, लेकिन यहाँ पर रिवाइवल के लिए जाना चाहते हैं। ऑन द सेम साइड TCG कहीं ना कहीं क्लोजिंग का सिनेरियो शायद क्रिएट करती हुई नजर आ सकते हैं। TCG कमिंग अप विद वन नॉक, रिवाइवल इनका इजिली हो सकता है यहाँ पर बनता नजर आ सकता है। D23 एंड ऑप्टिमस फिलहाल कहीं ना कहीं फाइट में इनिशिएट होती हुई नजर आ सकती है, ठीक पीछे यहाँ पर जो मैं कह सकता हूँ टीम जोकर के फिलहाल यहाँ पर जो है वो जोन काटते हुए नजर आ रहे थे ऑप्टिमस के बंदे, लेकिन फिलहाल जो है जोकर इजिली पहुंच चुके हैं जोन के अंदर। 4MS का ऑल्सो साउंडिंग गुड विद आउट ऑफ 5 किल्स, एंड इन बिटवीन जो है HYD की टीम को फिनिश ऑफ करते जाएगा, यानी कि टीम का एलिमिनेशन इस बीच हमको देखने को मिलेगा। ओके ब्रो, अभी मैं जो कमेंट सेक्शन है मैं वो आफ्टर द मैच पे जाऊंगा कमेंट सेक्शन की तरफ, फिलहाल मैं मैच की तरफ बात करूंगा। तो फाइनली यहाँ पर जो बात होती हुई है भाई, एक और जो सर्कल फॉर्म हुआ, एंड इस सर्कल के बाहर बहुत ही प्यारा सर्कल फॉर्म होता है, ऑल द टीम्स आर आउट ऑफ द सर्कल, आई कैन से सारी टीम्स को सर्कल के अंदर एंट्री लेनी है। कहीं ना कहीं D23 के लिए भी अभी यहाँ से मुश्किल आई कैन से कि देखने को मिल सकती है। एंड ऑप्टिमस की अगर मैं बात करूँ तो भाई क्या ही गेम प्ले यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, 2 प्लेयर्स यहाँ पर बचेंगे, क्या टेक डाउन कर पाएंगे? जी नहीं, वहाँ पर थोड़ा सा डैमेज देखने को मिला था, देने दिया था वहाँ पर कुछ डैमेज, लेकिन टेक डाउन करने में सक्सेसफुल नहीं है। बिलो द व्हीकल दे आर ट्राइंग टू गिव द डैमेज, लेकिन लास्ट में फॉल बैक करते हुए नजर आने वाले हैं। वहाँ पर से कहीं ना कहीं रोटेशन जो है आई कैन से यहाँ पर लेते हुए नजर आ सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं ऑप्टिमस एक अच्छे सिचुएशन में आई कैन से कि यहाँ पर एक इजिली यहाँ पर जोन होल्ड करते हुए पीछे से स्पॉट करेंगे जोकर के, वहाँ पर इजिली एक नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। एंड वो फॉर श्योरली अब वो किल सिक्योर होता हुआ नजर आएगा बिकॉज ऑफ द नहीं अभी टाइम है और जोन सिंक में अभी टाइम है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिवाइवल है सक्सेसफुल होता हुआ हमको नजर आ सकता है। एंड लेट्स सी कि रिवाइवल के बाद जो जोन क्लोजिंग होने वाला है वो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई कैन से 15 सेकंड्स टू गो फॉर द जोन श्रिंक, एंड बिटवीन कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऑन द सेम साइड अगर मैं टॉर्ट की बात करूँ तो टॉर्ट के यहाँ पर दिक्कत टॉर्ट के पहले एलिमिनेशन को देखने को मिलेगा। TCG कमिंग अप विद 12 किल्स, OP गेम प्ले, अभी इनके भाई 5 किल्स देखने को मिले थे, इतनी देर में TCG होल्ड कर चुकी है 12 किल्स। ओ भाई,
सात खेल से जितनी देर में ये लोग से क्या कर चुके अपनी पर्टिकुलर टीम के लिए डी टू थ्री इसलिए मूव इन कर देगी टू वर्ड द जोन इनको स्पॉट करा जाएगा डैमेज अच्छा खासा देने की कोशिश बाय द टीम बाय द प्लेयर टी सी जी हाइड्रो इन बिटवीन टीम फोर एम एस कमिंग अप विदाउट ऑफ द नॉक्स जो कि दिक्कतें क्रिएट करेगा जूस को फैलाने पर एवल दिया जाएगा ऑप्टिमस इसलिए होल्ड करेंगे जोन के अंदर यहाँ पर दिक्कतें क्रिएट कर दे फॉर द टीम डी टू थ्री वहाँ पर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर दी थी डी टू थ्री के उन दो प्लेयर्स के लिए क्योंकि डॉट एच वो दोनों प्लेयर्स हमको देखने को मिल रहे थे फिलहाल यहाँ पर स्पॉट करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फोर एम एस के लाइनअप है उनके यहाँ पर दिक्कत आई कैसे देखने को मिल सकती है डी टू थ्री दिलप्रीत के द्वारा यहाँ पर फिलहाल जाएंगे रिवाइवल के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर टी सी जी भी थोड़ा दिक्कत में फर्स्ट टीम नजर आएगी टी सी जी कमिंग अप विद टू कंटिन्यूसली नॉक दिस विल गोइंग टू गिव बी टी फॉर द टीम पर्टिकुलर टीम टी सी जी कहीं ना कहीं डी टू जी के बाकी दो प्लेयर्स एक अच्छी हाइट एडवांटेज में जिसके चलते यहाँ पर डी टू टी सी जी का एलिमिनेशन मतलब नजर आएगा जी हाँ टी सी जी फाइनली गेटिंग एलिमिनेशन फ्रॉम दिस मैच एट द फोर्थ पोजीशन विद आई थिंक द 12 नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड ओपी परफॉर्मेंस बाय आई कैन से टी सी जी की तरफ से देखने को मिली फोर एम एस का यहाँ पर जोर आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फोर एम एस आई कैन से अगर फोर एम एस यहाँ पर इजिली होल्ड कर लेगी जोन के अंदर तो दिक्कत है फॉर श्योर यहाँ पर डी टू थ्री के लिए हो सकती है फिलहाल बात करूँ तो सारी टीम्स यहाँ पर आउट ऑफ द जोन हमको देखने को मिलेगी एंड ऑप्टिमस वैनम इज द ओनली प्लेयर आई कैन सी की जो कि इजिली जोन को होल्ड कर सकते हैं 7 मीटर दूर है इससे जोन एंड आई कैन से द लास्ट फाइट इज गोइंग टू बी वेरी ऑसम 4v4 का सिनेरियो लास्ट फाइट के यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है बिटवीन द टीम डी टू थ्री एंड द टीम फोर एम एस इवन फोर एम एस कहीं ना कहीं बीटी में फर्स्ट टीम नजर आ सकते बिकॉज ऑफ दट पर्टिकुलर जोन डिसएडवांटेज एंड यहाँ पर स्मोक वॉल्स क्रिएट करे जाएंगे स्मोक्स के थ्रू यहाँ पर मूव इन करना चाहेंगे टू वर्ड द जोन एंड भाई ऑप्टिमस इज द ओनली प्लेयर इन द जोन आई कैन सी एंड यहाँ पर स्पॉट करेंगे फिर यहाँ पर टेकन करेंगे नॉक निकाल ले भाई यहाँ पर एक अरे प्यारा नॉक आई कैन सी अब बहुत प्यारा ये नॉक देखने को मिलेगा ऊपर से वो दूसरा प्लेयर भी भगता है उसको भी टेकन कर सकता है लेकिन नहीं है नहीं कर पाया डी टू थ्री वो फाइनली एक किल स्लो होल करती हुई नजर आएगी और डी टू थ्री एक अच्छी पोजीशन पर आ चुके हैं यहाँ पर एलिमिनेशन यहाँ पर सब ऑप्टिमस वैनम का भी देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डी टू थ्री की पोजीशन के चक्कर में डी टू थ्री सेकंड विद ऑफ द थ्री किल्स ट्रैफिक की बात करूँ ट्रैफिक विद ऑफ द थ्री एंड सॉरी फोर किल्स यहाँ पर साथ कंटिन्यू करते नजर आएंगे इन बिटवीन अगर मैं कहीं ना कहीं बात करूँ दिलप्रीत को यहाँ पर इन बिटवीन टेक डाउन कर लिया जाएगा ओपी गेम प्ले आई कैन से दिलप्रीत को फिलहाल यहाँ पर टेक डाउन कर लिया जाएगा फोर एम एस कमिंग अप विद थ्री प्लेयर्स सॉरी टू कंटिन्यूशन लॉक द लास्ट प्लेयर इज द पिज्जा ओपी एंड इन बिटवीन ऑप्टिमस आई कैन से भाई क्या ही कैंपिंग पोजीशन के चलते यहाँ पर जो है सेकंड पोजीशन तक अपनी टीम को खींचकर ला चुके हैं 4 पोजीशन के साथ में देखने को मिलेंगे फाइनल इनको भी स्पॉट कर लिया जाएगा एलिमिनेशन यहाँ पर ऑप्टिमस को भी देखने को मिलेगा मीन्स D23 is coming up again with that of the chicken dinner and I would like kills इनके देखे जाएं तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 kills इनके देखने को मिलेंगे Optimus coming up at the second position with the 4 number of the kills 4MS with the 6 kills TCG with that of the 12 kills RBES with the 1 kills I can say Todd with the 3 kills NA means with the 0 kills HYD with the 3 kills PB with the 1 kills Hyderabad Warriors with the 2 kills RSQ performed very well I can say 15 number of the kills in their pocket मैं बात करूंगा तो भाई RSQ की तरफ से एक अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया गया D23 second ने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया क्योंकि उनके खाते में भी हमको 6 kills देखने को मिल रहे हैं यानी कि D23 second and in between RSQ के Rockley is the two players having the 6 individual kills in their pocket in between अगर मैं skulls की बात करूंगा तो skulls coming up with the 1 kills कप्तान की बात करूंगा तो कप्तान is also having the 5 kills in their pocket यानी कि एक अच्छा साउंड वो भी करते हुए नजर आते हैं लेकिन एलिमिनेशन इन बिटवीन उनका बहुत ज्यादा जल्दी देखने को मिला 8 किल्स उनके देखने को मिलेंगे जेड एंड लेजेंड कमिंग अप विद द 2 किल्स टीम डब्ल्यू ओ आई कैन से विद द 0 किल्स ईटीआर कमिंग अप विद द 3 नंबर ऑफ द किल्स एस वोल्ड कमिंग अप विद द 0 किल्स सीएस कमिंग अप विद द 1 किल्स रॉटन कमिंग अप विद द 1 किल्स एंड आई कैन से द लास्ट टीम एलिमिनेटिंग एट द 20th पोजीशन विद द 0 किल्स तो एक बहुत प्यारा गेम प्ले यहां पर देखने को मिला तो फटाफट से आप नजर डालूंगा एक बार कमेंट सेक्शन की तरफ क्योंकि थोड़ी सी यार यहां पर बूम बाम सर गर्मा गर्मी का माहौल हमको देखने को मिला था तो फटाफट से बात करेंगे यहां पर if suspected then only you can ask the recording and you have some proof okay proof first suspect arises because he had low level id of 9th which itself a violation of the rules bilkul correct so you don't have any right to say that give us proof because he may be using esp yeah maybe right or rahul dupai will agree you don't decide this the room maker does bhai iska matlab main samjha nahi king viper ko kya kar dekho rules create karega ya to i think so ki you have to kick that particular player lekin agar I can say कि अगर दिलप्रीत is recording their particular all the matches then it will be good and तो वहाँ पर कोई suspicious बात नहीं हो सकती लेकिन I think so कि कहीं ना कहीं जहाँ पर कुछ doubt हुआ है मेरे को भी कहीं ना कहीं doubt हो सकता है क्योंकि D23 is coming up with the 2 continuous chicken dinner मे बी their game performance is very good so that they are securing the chicken dinner in their particular 2 matches and proof will be available only when caster sees him for a long time which is not possible because he had to cover whole match yeah bro बिल्कुल correct राहुल As the bro, okay, so you are saying that room maker who had made the rule that below 20 plus ID will be kicked as right to allow level 9 ID just because you want same clan tech. Rising White eliminate.
Although your first player of D2-3 has not the tech, it means that clan tech is not that important for you. Three techs are necessary if you don't know for every room. But it's not written in the rules, I guess. अरे भाई किंग वाइपर गेमिंग में एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर थ्री टेक्स कंपलसरी है तो काफी ज्यादा टीम्स यहाँ पर मेरे को टेक्स नहीं दिख रहे. मे बी इस पर्टिकुलर मैच में नहीं करे हूँ आपने कंपलसरी, लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि अगर थ्री टेक्स इस मैच में कंपलसरी थे तो काफी ज्यादा टीम्स के मेरे को देखने को मिल रहे जिसके टैक्स यहाँ पर हमको तीन टैक्स देखने को नहीं मिल रहे. सो कीप क्वाइट दुरेश पटेल. भाई दिलप्रीत का रिकॉर्डेड गेम प्ले इन फ्रेगमेंट्स मांग दो कास्टर भाई प्लीज. अलग अलग स्पॉट्स आर अनएडिटेड. देखो कास्टर भाई, अगर सस्पिशियस नहीं है तो रिकॉर्डिंग देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना. बिल्कुल सही भाई राहुल, मैं बिल्कुल आपके फेवर में हूँ कि अगर सस्पिशियस नहीं है तो रिकॉर्डिंग देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एंड आई वुड लाइक कि कंटिन्यूसली टू चिकन डिनर, या तो भाई इनका गेम प्ले अलग ही लेवल का है D2-3 का. दिलप्रीत के फिलहाल इस मैच में जीरो किल्स है. आई फॉरगॉट द अमाउंट ऑफ द किल्स ही सिक्योर्ड इन लास्ट मैच. सो फिलहाल यहाँ पर से मैं आपसे लेना चाहूँगा ब्रेक गाइस, क्योंकि आई एम कंटिन्यूसली स्ट्रीमिंग टिल 3 PM. 3 PM से मैं कंटिन्यूसली स्ट्रीम करता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है आज, क्योंकि आज लिटरली मैंने कंटिन्यूसली 3 PM से स्ट्रीम कर रहा हूँ और दिन में इतनी लंबी स्ट्रीम नहीं करता हूँ, फर्स्ट टाइम. सो थकान मेरे को बहुत ज़्यादा हो चुकी है. तो फिलहाल मैं आप लोगों से लूँगा पीस आउट एंड फॉर श्योर वी विल मीट वेरी सून अगेन. एंड गाइस यस, अगर किसी को मेरी कास्टिंग वगैरह अच्छी लगती हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा आर्टिकल लिंक दे रखा, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो. तो चलिए फिलहाल आपसे लेंगे पीस आउट एंड हो सके तो जरूर मिलेंगे. एंड गाइज TRS के चैनल पर डेली स्ट्रीम होती है, किल की बात नहीं है. हाँ ब्रो आई नो ESP, यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर ESP दैट मे बी, बट मेरे को उस टाइप से कुछ लगा नहीं. ESP वाला बंदा सिर्फ रोटेशन बता देता है. हाँ मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ सस्पिशियस लगा नहीं. लेकिन हाँ एक चीज़ देखी, कंटिन्यूसली टू चिकन डिनर कहीं ना कहीं डाउट दे सकता है ग्रैंड फाइनल्स. हाँ भाई मैं बिल्कुल सही है भाई. कोई नहीं ब्रो, आपकी पर्टिकुलर टीम अगर इसमें खेल रही थी तो आप मांग लो यार, कोई दिक्कत नहीं है. आई थिंक किंग वाइपर गेमिंग है प्रोवाइड कर देना चाहिए आपको BR POV. यू शुड प्रोवाइड POV, क्योंकि अगर वो मांग रहा है तो उसको कुछ सस्पिशियस लग रहा है तो यू शुड प्रोवाइड द POV. सो प्लीज़ प्रोवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं यार. अगर वो यूज़ नहीं कर रहा तो POV प्रोवाइड करने में क्या दिक्कत है. और अगर POV प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब वो पर्टिकुलर प्लेयर ने अगर मैच रिकॉर्ड नहीं करा तो अगली बार से उसको अलाउ मत करो ना लेवल 9 कैटेगरी, क्योंकि ये मैच तो रीमैच नहीं हो सकते. सो टेल देम टू नॉट ज्वाइन द रूम बिलो 20 ID को अब अलाउ करने के लिए मत बोलो. लिटरली मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा गला भी अजीब सा हो चुका है. तो चलिए गाइस मैं आपसे लूँगा ब्रेक, फॉर श्योर मिलेंगे जरूर दोबारा.